हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू ए ऑनलाइन सोल्यूशन। कैसे हो जी? अगर आप ये वीडियो पे देखने के लिए आए हो, उर्दू कवायद पढ़ने के लिए अगर आप आए हो, तो बिल्कुल आप बिल्कुल सही जगह पे आए हो। इस वीडियो से आपको पूरा उर्दू का टॉपिक क्लियर होने वाला, उर्दू ग्रामर से। और आप अगर टेंथ में हो या ट्वेल्थ में हो, क्लास टेंथ में हो या ट्वेल्थ में या नाइन्थ क्लास में भी हो, आपके लिए ये वीडियो ना एक वीडियो में सारा कवर करने वाला है। इसमें मैं वही चैप्टर को लिया हूँ जो आपके बोर्ड में पूछे जाते हैं। उर्दू कवायद तो बहुत ही गहराई है, लेकिन उतना नहीं ज़्यादा जाना मुझे, जितना बोर्ड में पूछता है वही जाना है, ठीक है ना? उस चीज़ को जानना है। तो ये वीडियो को बहुत ध्यान से देख लीजिए, थोड़ी सी लंबी वीडियो हो जाएगी, लेकिन मैंने कोशिश किया पूरा कवर करने के लिए, है ना, ताकि आप एक ही वीडियो में पूरा चैप्टर कवर कर लिए उर्दू ग्रामर का। बड़ा आसान है यार, बड़ा आसान। और बता रहा, अगर मैट्रिक में हो तो आपको 40 नंबर का सवाल यहाँ से आएगा, 35 से 40 नंबर। ट्वेल्थ में हो भी तो उससे भी आएगा 30 35 40 सवाल, ठीक है ना? तो छोड़िए मत, ध्यान से देखिए और हम सभी सवाल को पहले करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कवायद होता है क्या, इसके बारे में जान लेते थोड़ा सा, है ना, थोड़ा सा इसके बारे में जान लेंगे। और हम थोड़ा फास्ट चलेंगे भी, आपको समझाने की कोशिश करेंगे, बस बातों को ध्यान से समझिएगा और कंसंट्रेशन बना के रखिएगा यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है ना? चलो भाई जल्दी आ जाओ। देखिए सवाल यहाँ पहले है तो कवायद होता क्या, जानते हैं कवायद। कवायद कायदा के जमा है, कायदा को बोलते हैं कवायद। कायदा मतलब कोई कानून, कवायद उसको बोलते हैं। कायदा मतलब ये वो इल्म है जिसे जबान को सही सही बोलना, सही सही लिखना आ जाए, है ना, सही सही बोलना या लिखने का जो तरीका होता है ना, उसको बोलते हैं कवायद, उसे बोलते हैं ग्रामर, व्याकरण। तो इसको यहाँ पे जो जो यहाँ पे देखिए, उर्दू कवायद को पांच हिस्सों में बांटा गया। सवाल पूछेगा उर्दू कवायद को कितने हिस्सों में बांटा गया, पांच हिस्सों में बांटा गया। पांचों हिस्सों का नाम अलग अलग है, मैंने वो दिया नहीं, बस आप इतना सवाल याद रखें कि उर्दू कवायद को पांच हिस्सों में बांटा गया, ठीक है ना? अब आइए यहाँ पे एराब के बारे में पढ़ेंगे पहले। एराब, एराब क्या होता है भाई? एराब एक अलामत है जो किसी हुर्फ के ऊपर नीचे आके लगता है, है ना? अक्सर ये एराब उर्दू में इस्तेमाल किया जाता है। जैसे अरबी में हम लोग जो पढ़ते हैं, तो अरबी में जो हम लोग जो पढ़ते हैं ना अरबी में, उसमें एराब लगा रहता है, अन बन, है ना? लेकिन जो अरब वाले जो देश होते हैं ना, अरब मुल्क वाले जो लोग होते हैं, उनके कुरान शरीफ में जबर जेर पे से नहीं रहता लगा हुआ। जैसे हम लोग उर्दू कैसे पढ़ते हैं, नॉर्मल सा उर्दू पढ़ते हैं, है ना, उसका, और उसी को बोलते इसका, तो उसका इसका में जेर जबर का तुरंत हम डिफाइंड पता कर लेते हैं कि उसका है कि इसका है। उस तरह से अरब वाले जो अरबी देश है, अरबी कंट्री जहाँ अरब लैंग्वेज है, उस वहाँ के कुरान शरीफ में जबर जेर पेश नहीं रहता है, उनका लैंग्वेज ही, तो वो समझ जाते हैं क्या लिखा हुआ है, ठीक है ना? तो हम लोग यहाँ पे एराब का इस्तेमाल करते हैं, जो कि उसको कुरान शरीफ को सही से पढ़ने के लिए। तो इसमें कुछ जबर होता है, कुछ जेर होता है, जोर पेश होता है ना, ये पढ़ते हैं ना, या तनवीन होता है, या तो फिर क्या तस्दीद होता है, या जज़्म होता है। इस सवाल पूछा जाए एग्जाम, इसलिए समझ लीजिए। पहले जानते हैं जबर, सिंपल सी बात, जबर जानते हैं ना, जो किसी हुरूफ के ऊपर में आता है, इसको फतहा भी कहते हैं, याद कीजिए। क्या कहते हैं इसको? फतहा भी कहते हैं। क्या? फतहा भी कहते हैं इसको, फतहा भी कहते हैं, है ना, इसको फतहा भी कहते हैं। अब देखो यहाँ पे, जैसे देखिए अलिफ जबर आ, बे जबर बा, प जबर पा, त जबर पा। देखो यहाँ जबर मैंने डाल दिया, ऊपर में रहेगा तो क्या हो जाएगा, जबर। नॉर्मल से समझते हैं, अलिफ बा पढ़े होंगे आप लोग मदरसा में, घरों में। देखिए जेर क्या होता है, ये वो इलामत है जो किसी हुर्फ के नीचे आता है, इसको कसरा भी कहते हैं। ये पॉइंट वाली बात, फतहा जबर को कसरा नीचे को, जैसे अलिफ जेर ए, बे जेर बे, पे जेर पे, ते जेर पे, ऐसे तेजर पे, ठीक है ना? पेश जानते हैं, ये वो घुंडीदार इलामत है, घुंडी ऐसे लगाता है, मतलब घुंडी है, तो घुंडी के जैसा अलामत है। और क्या होता है, किसी जब किसी हुरूफ के ऊपर में आता है और आवाज़ में गोलाई लाता है, जैसे ऊ, तो गोलो रन है ना, जैसे कि बोलेंगे ऊ बू तू, तो देखो गोल आ रहा, ऊ बू पू तू सू, तो आवाज़ में गोलाई आ रहा, तो इसको क्या बोलते हैं, पेश बोलते हैं। क्लियर है, हर कोई जानता है इसको। लेकिन बच्चा फंसता कहाँ पे, यहाँ पे फंसता बच्चा, पता, जज़्म होता क्या, हमेशा कुरान से पढ़ते लेकिन फिर भी फंस जाता है जज़्म। ये वो इलामत है जो हुरूफ के ऊपर इस्तेमाल होती है और दो हुरूफ को जोड़ती है, जहाँ पे दो हुरूफ को जोड़ती है उसको बोलते हैं जज़्म। जैसे देखिए गम, तो गैन जबर और यहाँ पे ऐसे रहता है गम, है ना, दम या दुम भी बोल सकते हैं, दुम दुम बोलेंगे तो ऐसे रहेगा, ऐसे दुम, दम बोलेंगे तो क्या होगा, दम, तो दाल में मिला तब ना दम हुआ, तो यहाँ जबर है जज़्म, ये मिला, ये हुआ जज़्म, ये क्या है, ये सैन, ये अलामत क्या, जज़्म है, जो कि इसको जोड़ने के लिए इस्तेमाल करते हैं। दिन, दाल नू पे जबर, जज़्म, तब मिला दिन, तो जज़्म क्या करता है, जोड़ने के लिए काम करता है, कंजक्शन समझो यहाँ पे अलामत है कैसा है, जो लफ्ज़ों को जोड़ रहा, दो लफ्ज़ों को जोड़ रहा, दो हरूफ को जोड़ रहा, ठीक है ना? तो जज़्म समझ में आ गया, इस तरह से अलामत रहेगा, है ना? गम, तो गैन मीम
गैन मीम गम कैसे हुआ, गैन जबर और मीम हुआ, मीम पे जजम है गम, ठीक है ना। इन 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 पढ़ते ना, इन न शैताना, तो इन होता देखा आप लोग पढ़े कुरान शरीफ पे, ऐसे पढ़ोगे इन न शैता, तो ऐसे रहता लिखा, तो ये जोड़ रहा जजम हो गया ये, ठीक है ना। बाकी समझते तनवीन देखते हैं, तस्दीद, तस्दीद क्या होता है, ये तीन सोसे वाली अलामत है इस तरह से, तनवीन तीन सोसा रहता है उसमें, और जिसकी वजह से हरूफ दो बार पढ़ाता है ना। जैसे देखिए अलिफ अब्बा पे है तो क्या होगा, अलिफ अब्बा बे को जिस पर रहेगा उसको डबल पढ़ते हैं, अब्बा अम्मा अब्बी उल्लू, है ना। तो इस तरह से, तो ऐसे जैसे अल्लाह देखिए यहाँ पे बहुत अच्छा है, यहाँ पे लफ्ज़ अल्लाह, तो देखिए अल्लाह के ऊपर है ना, ये क्या है अल्लाह के ऊपर इस तरह, ये जो बनाओ क्या है, इसको बोलते हैं तस्दीद, इसको क्या बोलते हैं जज़म। नोट कर लीजिएगा ज़हन में, बात सवाल पूछा था जज़म के बारे में, सवाल आया था एग्जाम में पिछले बार, इसलिए मैं यहाँ पे दे रहा हूँ। मद क्या होता है, ये वो इलामत है जो अलिफ के ऊपर आता है, मद हमेशा अलिफ के ऊपर आता है, और जब आता है तो अलिफ को दो बार पढ़ना पड़ता है। जैसे आग देखिए ऊपर में लिखा हुआ, आग आम आज आह, है इस तरह से, तो ये वाला मद है, ऐसे आम है ना, आल इस तरह से। तनवीन समझते, तनवीन क्या होता है, ये वो इलामत है जो किसी हुर्फ के नीचे ऊपर जबर, नीचे रहे चाहे ऊपर रहे, इसमें दो जबर रहेगा या दो दो जबर रहेगा या दो जेर रहेगा या दो पेश रहेगा, इसको बोलते हैं तनवीन। समझ आया, तस्दीद में तीन सोसा रहता है, जजम में ऐसे रहता है, और तनवीन में दो जबर या दो जेर या दो पेश, चाहे ऊपर रहे चाहे नीचे रहे। देखिए तकरीबन, देखिए करीबन हो गया तकरीबन, मसलन, तो ऐसा बहुत सा लफ्ज है जहाँ पे दो जबर दो जेर दो पेश होता है। दो जबर वाला तो हम लोग बहुत पढ़े, तो जहाँ पे देखिएगा दो जबर रहे दो जेर रहे दो पेश रहे चाहे ऊपर चाहे नीचे, समझिए वो क्या है, तनवीन है। क्लियर है, दिक्कत नहीं होगा, चलिए एग्जाम में अगर छूटेगा नहीं। अब आगे बढ़ते हैं इराब के लिहाज से हरूफों की किस्में, देखिए ध्यान से देख लीजिए इराब। अब जो हम लोग इराब पढ़ते हैं ना, इराब तो हम लोग पढ़ चुके हैं, जैसे कि जेर जबर पढ़ चुके हैं, अब इराब के लिहाज से हरूफों की किस्में, हरूफ देखिए पहले पढ़े अलिफ की दो किस्में होता है, कितना इसको याद कीजिएगा, अलिफ की कितनी किस्में, दो किस्में, अलिफ ममदूदा अलिफ मकसूरा, ठीक है ना, अलिफ ममदूदा अलिफ मकसूरा, कौन कौन है, अलिफ ममदूदा अलिफ मकसूरा। देखिए दोनों में अंतर क्या है, ये वो अलिफ है जिस पर मद हो, अब मद होता तो क्या होता, खींच कर पढ़ा जाता है, वो अलिफ जिसको खींच कर पढ़ा जाए, जिसको खींच कर पढ़ा जाए, जिस पर मद रहेगा तो खींच के पढ़ेंगे, और ये वो अलिफ जिसको खींच कर ना पढ़ा जाए, है ना। अच्छा दोनों उल्टा हो गया, एग्जाम्पल गड़बड़ा गया, तो जो खींच कर ना पढ़ा जाए, तो देखिए आप आम जिस पे खींच के पढ़ेंगे, आप आम आग आज, अलिफ पर मद रहेगा और इसको खींच के पढ़ेंगे तो अलिफ ममदूदा बोलेंगे। और यहाँ पे ना ये जब गलती से लिखा गया है, ठीक है ना, जिस अलिफ को खींच कर ना पढ़ा जाए इसको बोलेंगे अलिफ मकसूरा, अलिफ ममदूदा को खींच के पढ़ेंगे, अलिफ मकसूरा को खींच के नहीं पढ़ेंगे। जैसे अब उतार चढ़ा अनार, देखिए नैन खींच रहे ना, अब्बा अलिफ को नैन खींच रहे दो बार, अम्मा नैन खींच रहे अलिफ को दो बार, और आम में अलिफ को दो बार खींच रहे, तो जिसको खींच कर पढ़ा जाएगा उसको अलिफ ममदूदा, और जिसको खींच कर ना पढ़ा जाए अलिफ मकसूरा, ठीक है ना। अब आइए नून की किस्में देखते हैं, नून की दो किस्में हैं, कितनी किस्में हैं नून की, दो किस्में, नून मलफूजी नून गुन्ना, नून गुन्ना तो समझते हैं, नून मलफूजी जो वो नून जिसकी आवाज़ साफ साफ निकले, साफ साफ, जैसे कान शान जान रान मान, है ना, नून पूरा क्लियर पता चला, नून जान देखिए नारा मान शान, तो इसको क्या बोलेंगे, नून मलफूजी, क्या बोलेंगे, नून मलफूजी। और नून गुन्ना में वो नून जिसकी आवाज़ नाक से निकले, जैसे माँ माँ बोलिए, माँ बोलते हैं तो मान थोड़ी लिखते हैं हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं माँ, तो खाली नून रहता है, इसको बोलते हैं हम लोग खाली नून, या नून गुन्ना इसी को बोलते हैं नून गुन्ना, जिसमें जिसकी आवाज़ नाक से निकले, माँ यहाँ वहाँ कहाँ जहाँ रहाँ, समझ आ रहा, ये हो गया नून गुन्ना। तो नून की दो किस्में, नून मलफूजी नून गुन्ना, ठीक है ना। आपसे सवाल एग्जाम में पूछा जाएगा इनमें से नून गुन्ना कौन है, इनमें से नून मलफूजी कौन है, तो डिफिनेशन जहन में रहेगा तब ना, नून गुन्ना समझ रहे, जिसमें नून गुन्ना नाक से निकले तो नून मलफूजी हो जाएगा, जिसको क्लियर बोले। देखिए वाव की, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वाव वाला पूछा भी गया एग्जाम में, वाव की तीन किस्में होता है, पहला वाव मारूफ, वो वाव जो खींच कर पढ़ा जाए, क्या, जिस वाव को खींच कर पढ़ा जाएगा वाव मारूफ, जैसे देखिए, जैसे दूर दूर खून जून खूब, देखिए वाव को खींच रहे दूर, जैसे देखो, जैसे अगर पढ़ेंगे देखो दूर, और कभी कभी इसको बोलते हैं दौर भी बोला था, बोलते हैं इस दौर में, तो वाव को यहाँ पे खींच नहीं रहे, अब कभी दूर भी तो ऐसे लिखा था दूर, तो यहाँ पे वाव को खींच रहे, जिस वाव को खींच कर पढ़ा जाए उसको बोलेंगे क्या, वाव मारूफ।
और जिस वाव को खींच कर ना पढ़ा जाए उसको बोलेंगे वाव मजहूल। जैसे मोर, देखिए मोर, हम इसको मूर नहीं पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, मोर पढ़ रहे हैं। इसको बूझ नहीं पढ़ रहे, क्या पढ़ रहे हैं, बोझ पढ़ रहे हैं। इसको जोर नहीं पढ़ रहे हैं, इसको जोर नहीं पढ़ रहे हैं, जोर पढ़ रहे हैं। तो समझ आया, जिस वाव को खींच कर पढ़ा जाए उसे वाव मारूफ कहेंगे, और जिस वाव को खींच कर ना पढ़ा जाए उसे वाव मजहूल कहेंगे। क्लियर है? और तीसरा काफ़ी इंपॉर्टेंट है वाव मादूला, जो पूछा गया है वो वाव जो लिखा तो जाता है लेकिन पढ़ा नहीं जाता है। जैसे ख्वाहिश, लिखा हुआ क्या है, ख्वाहिश, क्या लिखा हुआ पढ़ूँ, ख्वाहिश। अब बोलते हैं ख्वाहिश, क्या बोलते हैं, ख्वाहिश। लेकिन लिखा हुआ तनख्वाह, तनख्वाह लिखा हुआ, अब पढ़ते क्या, तनख्वाह। बोलते हमारी तनख्वाह नहीं आई, तनख्वाह है लिखा हुआ। ख्वाजा लिखा हुआ, पढ़ते क्या, खाजा लिखा हुआ, ख्वाजा, लेकिन वाव को साइलेंट कर देते हैं, खाजा बोलते हैं, है ना। दस्तरखान लिखा हुआ है लेकिन पढ़ते हैं दस्तरखान। अच्छा, बहुत लोग ख्वाब बोलते हैं कि हम एक राज रात में ख्वाब देखे। ख्वाब क्या होता है, ख्वाब कुछ नहीं होता, ख्वाब होता है। तो ख्वाब बोल रहे लेकिन लिखते हैं क्या, ख्वाब। तो जिस वाव को लिखा जाए लेकिन पढ़ा ना जाए। तो समझ में आए, वाव के तीन किस्में, वाव मारूफ जिसको खींच कर पढ़ा जाए, वाव मजहूल जिसको खींच कर ना पढ़ा जाए, वाव मादूला जिसको लिखा जाए लेकिन पढ़ा ना जाए। जहन में रखेंगे डिफिनेशन, तब एग्जांपल जहन में रहेगा। चलिए, हाय, हाय की दो किस्में, हाय जो हा लिखते हैं वही वाला हाय, हाय मलफूजी, हाय मुख्तफी। वही वो हाय जिसका तलफ़ुज वाजह हो, वाजे तौर पर हो जाए, मतलब क्लियर पता चल जाए, जिसका तलफ़ुज, जिसकी आवाज़ साफ साफ ज़ाहिर हो, सिंपल से बोलो, वो हाँ जिसकी आवाज़ साफ साफ ज़ाहिर हो। जैसे देखिए, आह, राह, वाह, हार है ना, मेरी आवाज़ से मुँह से निकले, आह, राह, माह, है ना, माह भी हो जाएगा, माह हो जाएगा, शाह हो जाएगा, है ना, गदा हो जाएगा। देखो आवाज़ निकल रही, लेकिन हाय मलफूजी वो है जो सिर्फ हरकत जाहिर करने के लिए आती है और आवाज़ अलिफ की तरह देती है। जैसे देखिए, निदा लिखा हुआ, निदा बोलते हैं, निदा। देखिए क्या लिखा हुआ, ज़माना, ये देखिए नू में टूटी है लिखा लगा हुआ है, लेकिन ज़माना नहीं बोलते, ज़माना क्या बोलते हैं, ज़माना। देखिए निशाना लिखा हुआ है, क्या बोलते हैं, निशाना लिखा हुआ, निशाना, लेकिन पढ़ते क्या, निशाना, अफसाना, बेगाना, परवाना। समझ आ रहा? तो यहाँ पे नून जो हा जो है साफ साफ जाहिर नहीं हो रहा है, ठीक है ना, आवाज़ अलिफ की तरह दे रहा है। तो हा की दो किस्म हो गया, हाय मलफूजी, हाय मुख्तफी। याय की भी दो किस्में हैं, याय मारूफ, याय मजहूल, जस्ट लाइक वाव मारूफ, वाव मजहूल। जिस वाव को खींच कर पढ़ा जाता था, यहाँ पे जिस याय को खींच कर पढ़ा जाता है, जिस याय को खींच कर पढ़ा जाता है उसको बोलते हैं याय मारूफ। जैसे देखिए, इदरीस, देखिए इदरीस, फ़कीर, अमीर, यह देखो याय लगाओ ना, फ़कीर, अमीर, गरीब, दही, मोती, ये भी हो गया याय मारूफ। और देखिए याय मजहूल, जिसको खींच कर ना पढ़ा जाए, जैसे कि देखो यहाँ पे भी तो यह लिखा हुआ ना, यहाँ भी तो शीर, क्या लिखा हुआ, शीर, पढ़ते क्या, शेर। देखिए यहाँ पे दलीर लिखा हुआ, दलीर, लेकिन हम लोग क्या पढ़ते हैं, दलेर पढ़ते हैं। तो याय लिखा हुआ है लेकिन याय को खींच कर ना पढ़ा जाता है याय मजहूल में, यार याय मालूफ मारूफ में याय को खींच कर पढ़ते हैं। देर लिखा हुआ दीर, पढ़ते हैं देर, जेर लिखा हुआ जीर, पढ़ते हैं जेर। जैसे देखो ना, अमीर, अमीर नहीं पढ़ते इसको, गरीब को गरीब नहीं बोलते, गरीब बोलते हैं। तो जिस याय को खींच कर पढ़ा जाए उसको याय मारूफ, और जिस याय को खींच कर ना पढ़ा जाए उसको याय मजहूल। क्लियर है? हाँ, ये सब सवाल पूछेगा तो एकदम छाप दीजिएगा, एग्जाम्पल पूछेगा। आइए पूरा कवायद यहाँ पे क्लियर करना है, एकदम ध्यान से पढ़िए, जहाँ पे लगे इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। लफ्ज़, लफ्ज़ वो जो मुँह से निकलती है, जो आवाज़ हम बोल रहे हैं, जैसे ये बोल रहे हैं, ये सब लफ्ज़ है। इसी को हम लोग बोलते हैं अरबी में, क्या बोलते हैं, कलमा कहते हैं, अरबी में कलमा, उर्दू में लफ्ज़। कलमा बोलते हैं, कलमा क्या है, तो बंदा कन्फ्यूज, कलमा आए बाप रे, हम अरबी तो पढ़े नहीं, कलमा क्या होता है। कलमा जस्ट लाइक लफ्ज़, जो हम बोलते हैं शब्द, उर्दू में शब्द, हम लोग हिंदी में शब्द बोलते हैं, उर्दू में लफ्ज़ बोलते हैं, अरबी में कलमा है। तो जो भी बोल रहे, जायद, उमरी, आदमी, तक, को, से, सब क्या है, सब लफ्ज़ हो गया। देखिए जो लफ्ज़ मानेदार हो उसे मौजू कहते हैं, ये वाला ध्यान से देखिए, जो लफ्ज़ मानेदार हो, जो लफ्ज़ मानेदार हो क्या बोलते हैं, मौजू। यहाँ पे जो लफ्ज़ मानेदार उसको क्या बोलेंगे, मौजू बोलेंगे, मौजू। और जो लफ्ज़ बेमाना हो उसको क्या बोलेंगे, मुहमल। मौजू में माना रहेगा, कुछ ना कुछ उसमें उसका मीनिंग निकलेगा, और मुहमल में कोई मीनिंग नहीं निकलेगा। जैसे देखो, भात बोलते ना, चाय वाय पी लिए हैं, चाय वाय चलेगा क्या, तो चाय का मतलब तो हो रहा, वाय का क्या मतलब है, कुछ नहीं मतलब हो रहा। तो चाय हो गया मौजू, वाय हो गया मुहमल, भात वात, तो भात समझ रहे ना, वात तो कुछ नहीं होता। फल वल, चलो फल वल खा लेते हैं, तो फल तो मत समझ रहे हैं, वल क्या होता है। तो जिसका माना हो उसको बोलते हैं मजहूल, जिसका माना ना हो उसको मारूफ, क्या बोलते हैं, मुहमल बोलते हैं। रोटी वोटी, तो रोटी का माना है तो मौजू, क्या बोलते हैं उसको, बोलते हैं मौजू, और वोटी का माना नहीं है उसको क्या बोलते हैं, मुहमल बोलते हैं।
ठीक है, तो मौजू में लफ्ज का माना रहेगा और मुहमल में लफ्ज का माना नहीं रहेगा। ठीक है, चलो कलमा कितना तरह होता है, कलमा कितने तरह होता है, यहाँ पे हो गया। कलमा के तीन तरह, तीन किस्में, देखिए कलमा की तीन किस्में कौन कौन है भाई, बोले ना कलमा या लफ्ज की कितनी किस्में, तो कलमा के तीन किस्में या लफ्ज की तीन किस्में, इसमें फेल हुर्फ, देखिए इसमें वो कलमा है जो किसी शख्स जगह का नाम हो, इसमें मतलब नॉन, इसमें का मतलब क्या होता है नॉन, और नॉन बहुत अच्छी तरीके जानते हैं संज्ञा क्या होता है, जिसमें किसी चीज़ शख्स किसी जगह का नाम हो, जैसे अहमद महमूद पटना धनबाद आम, है ना, क्या हो गया इसमें, ये सब कहलाएगा इसमें कहलाएगा। फेल समझिए, फेल समझते ना, इसको बोलते हैं वर्ब है, अब तो बताने की जरूरत नहीं है, वो कलमा जिससे किसी काम का करना या होना समझा जाए, है ना, खाना पीना लिखाई लिखा आई गई, हाँ अच्छा उल्टा पुल्टा खाना पीना सब हो जाएगा, है ना, खाना पीना, है ना, खाना पीना रोना धोना सब हो जाएगा यहाँ पे फेल। क्लियर है, ज़्यादा डिस्कस करेंगे जो समझ रहे सब, इसलिए हम यहाँ पे हिंट करें, जो नॉर्मल सा उसको हिंट कर दे रहे। हुर्फ समझते हैं, वो है जो जो वो कलमा है जो किसी जो किसी जो कोई मानी ना देता, अच्छा जो जो कोई मानी ना देता हो, हुर्फ का कोई मतलब ना हो लेकिन किसी फेल से मिलकर माना देता हो, फेल से मिलकर मतलब अकेला कोई माना, यहाँ पे अकेला लिखा हुआ है, जो अकेला है ना, जो अकेला वो कलमा है जो अकेला कोई माना ना देता हो लेकिन किसी लफ्ज के साथ मिलकर उसका कोई माना बताते हैं, जैसे देखिए से, अब से क्या होता है, से का कोई माना है नहीं, लेकिन बोले पटना से समझ में आ जाएगा, हाँ पटना से, तक तक का कोई माना है नहीं, लेकिन बोलते हैं यहाँ से यहाँ तक, तो तक का मतलब हो रहा जाहिर हो रहा है ना, को कुछ नहीं पता चल रहा, बोले मेरे को तो पता चल रहा, हाँ को यहाँ पे मतलब हो जा रहा, मतलब जाहिर हो रहा, लेकिन खाली को बोलेंगे तो कोई मतलब नहीं निकल रहा, पर उस तरह से हो गया क्या, मैं पर क्या हो जाएगा, हुर्फ हो जाएगा, तो हुर्फ का कोई मतलब नहीं होता है लेकिन वो मिल के मतलब देता है। चलिए अब देखो यहाँ पे मानी के लिहाज से इसमें की दो किस्में, सवाल पूछेगा पूछा भी है कि मानी के लिहाज से मीनिंग के लिहाज से इसमें की कितनी किस्में हैं, दो किस्में हैं, इसमें ज़ात इसमें सिफत, ठीक है ना, मानी के लिहाज से इसमें की कितनी किस्में हैं, दो किस्में, इसमें ज़ात इसमें सिफत, ज़ात मतलब वही हो गया जातिवाचक, है ना, वो इसमें जो किसी शख्स जगह चीज का नाम हो, जैसे अहमद पटना आम, ये क्या हो गया एक ज़ात, हाँ जातिवाचक भी बोल सकते हैं, इसमें सब आ जाएगा, उर्दू में थोड़ा सा उर्दू से हिंदी जो है ना थोड़ा डिफरेंट आ जाता है, थोड़ा सा डिफरेंट आता है, ठीक है ना, मतलब ऐसा नहीं कि ज़ात से पूरा ज़ात ले लेंगे, यहाँ पे किसी इसमें का कोई जगह शख्स का नाम रहे इसमें ज़ात बोल देंगे, ठीक है ना, अहमद पटना आदमी सब आ जाएगा इसमें, ठीक है ना, इसमें सिफत समझते हैं, सिफत बोलते हैं जी गुणवाचक, जिससे खूबी खराबी पता चले, वो इसमें जो इसमें किसी जात की खूबी या खराबी पता चले, कोई भी जात, आदमी छोटा देखिए बहादुर लंबा हरा पुराना छोटा बड़ा, ये क्या हो गया इसमें सिफत हो गया, समझ आ रहा, सिफत किसको बोलते हैं, जिससे किसी इस्म की जिससे किसी जात की या इस्म की सिफत मालूम, मतलब खूबी या खराबी मालूम हो, ठीक है ना, डिफिनेशन नहीं पूछेगा आपसे लेकिन ये बात जानिएगा तब ने बता पाए, अच्छा बुरा एडजेक्टिव को बोलते हैं यहाँ पे जी। अब देखिए जिसकी सिफत बयान की जाए, यहाँ पे मैं एक सेंटेंस जोड़ा है बहुत पूछा सवाल में, जिसकी सिफत बयान की जाए उसे क्या बोलते हैं, उसे मौसूफ कहते हैं, क्या बोलते हैं उसे मौसूफ कहते हैं, जिसकी सिफत बयान की जाए, लड़का बहादुर है, तो बहादुर यहाँ पे बहादुर क्या है, यहाँ पे बहादुर है सिफत, क्या है जी सिफत है, लेकिन किसके बारे में बोल रहा, लड़का के बारे में बोल रहा, तो लड़का क्या हो जाएगा मौसूफ, क्या हो जाएगा मौसूफ, गाड़ी नई है तो नई तो हो जाएगा सिफत, लेकिन किसके बारे में बोल रहा, गाड़ी के बारे में, तो गाड़ी क्या हो जाएगा मौसूफ हो जाएगा, जैसे बोले आप लोग बहुत तेज़ हो तो तेज़ तो हो गया सिफत, लेकिन आप लोग क्या हो गए मौसूफ हो गए, समझ में आ रहा, मौसूफ मतलब जिसकी सिफत बयान की जाए, ठीक है ना, और सिफत मतलब जिसको भी खराबी बयान कहते हैं जिसकी, हाँ तो क्या सिफत मौसूफ समझ आ गया। आगे देखिए, अब यहाँ पे देखिए बनावट के लिहाज से इसमें की तीन किस्में हैं, मानी के लिहाज से दो किस्में हैं, अब बनावट के लिहाज से तीन किस्में, क्लियर है, मानी के लिहाज से तीन किस्में दो किस्में हैं, इसमें जात इसमें सिफत, अब बनावट के लिहाज से तीन किस्में, अच्छा आगे देखिए, इसमें जामिद, जामिद वो इसमें जो खुद ना किसी कलमा से बना हो ना तो कोई कलमा बने, कलमा मतलब लफ्ज, जो कोई लफ्ज से नहीं बना होगा और ना तो उसे कोई दूसरा लफ्ज बने, जैसे देखिए अहमद से कोई लफ्ज बनेगा और अहमद कोई लफ्ज से बना भी नहीं है, और अहमद जैसे बोलते जैसे देखिए जैसे बोलते हम कलील, कलील तो कलील जो है किल्लत से बना है, देखिए किल्लत से बना कलील,
बना ना, तो अहमद से अहमद ना तो कोई लफ्ज़ बना, ना तो अहमद से कोई लफ्ज़ बनेगा, पर दरिया से कोई लफ्ज़, दरिया कोई लफ्ज़ से नहीं बना है, ना तो दरिया से कोई लफ्ज़ बनेगा। उस तरह से लड़की से, लड़की कोई लफ्ज़ से नहीं बना, ना तो लड़की से कोई लफ्ज़ बनेगा, उसको बोलते हैं जामिद। ठीक है, मसदर क्या होता है? ये वो इसमें जो खुद किसी कलमा से ना निकला हो लेकिन उससे दूसरा कलमा निकले, जो खुद किसी कलमा से ना बना हो, जो खुद किसी लफ्ज से ना बना हो लेकिन उससे दूसरा कोई लफ्ज बनेगा, जैसे कि खाना पीना लिखना। अब खाना से खाने वाला बन जाएगा, पीना से पीने वाला बन जाएगा, रोना से रोने वाला बन जाएगा। तो खाना कोई लफ्ज से नहीं निकला है लेकिन खाना से बन जाएगा खाने वाला, उसको बोलते हैं क्या? मसदर। तो जस्ट लाइक इसको आप भर्व भी बोल सकते हैं। मसदर को क्या बोल सकते हैं? क्रिया बोल सकते हैं, भर्व बोल सकते हैं, जिससे समझो काम का होना समझा जाए। और मस्तक बोलते हैं जो मसदर से बना हो, खाने वाला, जाने वाला, रोने वाला, हंसने वाला, लाइक करने वाला। ठीक है ना, तो आप लोग मसदर हैं तो जल्दी से लाइक करो वीडियो को और शेयर कर दीजिएगा। देखिए अब आइए जामिद के बारे में पढ़ते हैं। इसमें जामिद की कितनी किस्में हैं? दो किस्में हैं। कौन कौन है? बहुत खास, ये दोनों बहुत खास, एकदम खासम खास, बहुत बार पूछा है। इसे मारफा, इसमें नकरा। इसे मारफा को हम क्या बोलते हैं हिंदी में? व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसको क्या बोलते हैं? जातिवाचक संज्ञा। समझा गया? व्यक्तिवाचक आपको बताने देते हैं जिसे किसी खास चीज़ का नाम मालूम हो, खास चीज़, जब कोई जगह हो, कोई शख्स हो, कोई आदमी हो, जैसे आयान, दिल्ली, ताजमहल, खास चीज़ का नाम है। और नकरा क्या हो गया? जो किसी आम चीज़ का नाम मालूम हो, शहर, कोई पता नहीं चला कौन सा शहर है, पहाड़, कौन पहाड़ है, आम, ये जाति है, एक जात का नाम मालूम चल रहा। समझ आ गया? तो सवाल बहुत पूछता है इनमें से, इसमें मारफा कौन है, इनमें से इसमें नकरा कौन है, सबसे सवाल पूछता है, इससे बहुत ज़्यादा सवाल पूछता है जी। इसलिए मैं बोला इस वीडियो को देख लो, 30 से 35 से 40 सवाल आपको मिलेगा। अब देखिए एक सवाल यहाँ पे, देखिए इसमें मारफा की कितनी किस्में? 7 किस्में। इसको दिमाग में रखो, पूछेगा डायरेक्ट कभी किस्में पूछता है, मारफा की कितनी किस्में? 7 किस्में। 7 किस्में का नाम यहाँ पे लिख दिया है, अलम, ज़मीर, इशारा, मौसूल, महूद, मुजाफ, मुनादा। इसमें ये दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अलम और ज़मीर। ठीक है ना, इससे सवाल बनता है अलम से, अलम से तो बहुत बनता है। अब देख लीजिए अलम की कितनी किस्में हैं? अलम की है जी 5 किस्में। पूछता भी है अलम की कितनी किस्में? 5 किस्में। खिताब, लकब, कुनियत, उर्फ, तखल्लुस। चलिए खिताब जानते हैं। खिताब एक ऐसा नाम है जो हुकूमत की जानिब से किसी शख्स को दे दिया जाता है, ये वो नाम जो किसी शख्स को इज्जत व अफजाई के लिए सरकार की तरफ से दिया, बात हुई है। खिताब वो नाम है जो हुकूमत की तरफ से किसी शख्स को इज्जत व अफजाई के लिए, है ना, उसकी बड़ाई करने के लिए, इज्जत को बढ़ाने के लिए खिताब देते हैं। जैसे सर, सर सैयद अहमद खां को मिला था सर, खां बहादुर, भारत रत्न, शम्सुल उलमा, दबीरुल मुल्क, इकबाल, सॉरी अल्लामा, अल्लामा इकबाल को अल्लामा मिला था। तो ये सब क्या हो गया? खिताब। तो खिताब कौन देता है? सरकार देती है खिताब। कौन? हुकूमत। और उसी को उल्टा लकब, लकब है। लकब में क्या होता है? ये वो नाम है जो किसी शख्स से इज्जत अफजाई के लिए आवाम की तरफ से कोई नाम मिल जाता है, आवाम की तरफ से। जैसे आप बहुत अच्छा गाते हो, आप अगर नवादा से हो तो बोलते हैं बुलबुले नवादा। ठीक है ना, आप अगर माने बिहार से हो, बिहार में सबसे अच्छा गाते हो आप, तो बोलते हैं बुलबुले बिहार, है ना, बुलबुल है बिहार का। कोई बहादुर है, बिहार का सबसे ताकत पहलवान है, तो बोलते हैं क्या बोलते हैं? शेरे बिहार बोलते हैं, शेर बोलते हैं, शेरे बिहार। तो ये जो शेरे बिहार बोल रहे हैं, बुलबुले बंगाल बोल रहे हैं, सुनते हैं बुलबुले बंगाल, है ना। तो यहाँ पे जैसे बापू, देखो बापू को कौन नाम दिया? बापू को हुकूमत ने नाम नहीं दिया, बापू को किसी आदमी ने नाम दिया, बाबाए कौम, राष्ट्रपिता, बुलबुदे हिंद, चिरागे दहली, कलीमुल्ला, खलीलुल्ला, अल्लाह ताला ने जो नाम दिया है, तो इसको क्या बोलते हैं? लकब बोलते हैं, याद रखेंगे। चलिए कुनियत क्या होता है? ये वो नाम है जो औलाद की निस्बत से माँ बाप या माँ बाप की निस्बत से औलाद फेमस हो जाए। मतलब कभी कभी ऐसा होता है ना कि माँ बाप को नहीं जान रहा लेकिन उसका औलाद को जरूर जान रहा, ये कौन औरत है? अच्छा उसकी अम्मी है। किसकी अम्मी? नहीं पता है, जाहिद की अम्मी। ओ जाहिद की अम्मी है, हाँ तो जाहिद के नाम से उसकी माँ फेमस हो गया, है ना, जाहिद की माँ। कौन है? नाम नहीं पता, जाहिद की माँ, ये जाहिद की माँ ये। ठीक है ना, अब कोई अगर बेटा बेटी अगर नहीं जान रहा हो मोहल्ले में, तो अरे फलानवा के बेटा, किसका है? फलानवा के बेटा है, फलानवा की बेटी है। ठीक है ना, लेकिन यहाँ पे वो नहीं चलेगा। यहाँ पे ये जो है ना अरब देश में अक्सर अभी भी इसका इस्तेमाल करते हैं जी, जैसे इब्न उमर, मतलब उमर का बाप, इब्न मतलब बेटा होता, सॉरी इब्न उमर, उमर का बेटा, इब्न मरियम, मरियम का बेटा, जैसे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को बोला गया ना इब्न मरियम, मरियम का बेटा। तो ईसा अलैहिस्सलाम को कौन जान रहा, तो मरियम को जान रहा, बोला कौन है? इब्न मरियम है, है ना। जैसे बिनत सलमा, सलमा की बेटी, है ना, अबू अबुल कासिम, कासिम का बाप, अबू मतलब बाप, उम्मे कुलसुम,
उम्मे कुलसुम मतलब क्या हुआ, उम्मे कुलसुम, कुलसुम की माँ, तो उम मतलब माँ, अबू मतलब बाप, बिंत मतलब बेटी, इब्न मतलब बेटा। तो लेकिन हिंदुस्तान में और अब नए नए प्रचलन चल गया है, बेटी के नाम जैसे मान लीजिए रुखसार है तो उसका पीछे नाम रख दिया अख्तर, तो रख दिया रुखसार अख्तर, हो जाता ना। तो मतलब नाम अपना अब्बू का नाम जोड़ लेता है, बहुत लोग अम्मी के भी नाम जोड़ लेता है, लड़का लोग भी जोड़ लेते हैं नाम, जैसे मेरा अशफाक है और किसी अब उस अब्बू का नाम जो है नाम जोड़ लिया उसमें लगा के, ठीक है ना। अब सोच रहे सर अपना अब्बू का नाम नहीं बता रहे। चलिए तो हो गया उर्फ, बड़ा इंटरेस्टेड है जी। ये वो नाम है जो किसी कोई शख्स असली नाम की बजाय नकली नाम से फेमस हो जाता है ना, जैसे लड्डू गुड्डू चुन्नू मुन्नू, है ना, पप्पू भोलू भोला, है ना जी, गुड्डी लाली डोली, ऐसे बोलते हैं ना, मतलब उसका असली नाम कुछ और है, नकली नाम से फेमस होता है, हर किसी का होता है, लगभग किसी के घर में है तो अब तो नाम कोई टेढ़ा कर देता है किसी का नाम, जैसे कि अगर अगर किसी का नाम मतलब अपना अपना लैंग्वेज के हिसाब से ऐसे बोल देता है, ऐसे कोई बात नहीं, जैसे छोटा है तो छोटी बोल दिया ये, है ना, बड़ा है तो बड़कू बोल दिया, मोटा है तो मोटकू बोल दिया, है ना, पतला है तो हवा पहलवान के नाम से फेमस हो गया, ऐसे होता है ना। तखल्लुस, ये वो नाम है, बहुत बार सवाल पूछा है तखल्लुस, तखल्लुस ये वो नाम है जो शायर अपना छोटा सा नाम जो है शेर के आखिर में इस्तेमाल करता है, कहाँ, जो गज़ल लिखते हैं ना शायर, ये कोई भी शेर लिखते हैं तो आखिर में जो नाम अपना डालता है कि पता चले कि इसके लिखने वाले ये है, जैसे गालिब इकबाल, इसके ऊपर में ऐसे लगा रहता है, हाली गालिब अकबर मुजाहिद शबनम। तो गालिब से बहुत ज़्यादा सवाल पूछा है क्योंकि उर्दू में गालिब दिया हुआ है, मिर्ज़ा गालिब, उससे बहुत पूछा है। तो ये जो है क्या तखल्लुस है। चलिए ज़मीर, ज़मीर समझते हैं ना, ज़मीर वो नाम है जो किसी इसमें के बदले आता है, मैं तुम वो, ज़मीर को बोलते हैं क्या, सर्वनाम बोलते हैं, क्या बोलते जी, सर्वनाम, प्रोपर नाउन, सर्वनाम बोलते हैं, सर प्रोनाउन, सर्वनाम। तो मैं तुम हम, अब ज़मीर की पांच किस्में, ये बात दिमाग में रखिए, कितनी किस्में हैं ज़मीर की, पांच किस्में हैं। चलिए कौन कौन है, देखिए ज़मीर शख्सी, ज़मीर इस्तेफामी, ज़मीर इशारी, ज़मीर मौसूली, ज़मीर तनकीरी, समझते हैं ज़मीर शख्सी क्या होता है, जिसको बोलते हैं व्यक्तिवाचक सर्वनाम, बोलते ना व्यक्ति पुरुषवाचक सर्वनाम, सॉरी पुरुषवाचक सर्वनाम, वही हो गया, वो ज़मीर जो किसी शख्स या जगह या चीज़ के बदले आए, है ना, जैसे यहाँ पे क्या हो गया, जैसे यहाँ पे आगे पीछे हो गया, हाँ अच्छा, जैसे यहाँ पे मैं तुम सब हो जाएगा, मैं तुम वो, ज़मीर शख्सी है ना, ज़मीर शख्सी, हाँ तो मैं तुम वो शख्स, कोई जगह कोई आदमी के नाम, कोई शख्स के बदले आए शख्सी हो जाएगा, शख्स के मतलब व्यक्ति होता है, पुरुष होता है ना। और ये तीन प्रकार का होता है, ज़मीर मुतकल्लिम, ज़मीर मुखातिब या हाजिर, ज़मीर गायब। बोलने वाला को बोलते हैं, फर्स्ट पर्सन को बोलते हैं मुतकल्लिम, सेकंड पर्सन को बोलते हैं मुखातिब मतलब हाजिर, जो हाजिर है प्रेजेंट, और गायब बोलते हैं थर्ड पर्सन को, ठीक है ना। जैसे आपने पढ़ा प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। मुतकल्लिम जो बात करने वाला होता है, जैसे मैं तुम, अच्छा मिसाल में उल्टा पुलटा हो गया यार, पता नहीं पीडीएफ में गड़बड़ आ गया, जैसे मैं हम, क्या हो गया, ज़मीर मुतकल्लिम, बात करने वाला को ज़मीर मुतकल्लिम बोलते हैं। ज़मीर मुखातिब या किसको बोलते हैं, जिससे बात किया जाता है, सुनने वाला को, जैसे तुम, तू, आप, तुम लोग, सुनने वाला को। आज इसके बारे में बोला जाता है उसको क्या बोलते हैं, ज़मीर गायब, जैसे वो लोग। क्लियर है, यहाँ पे लिख दिया लेकिन बात को समझ रहे, नॉर्मल सा है, कोई भारी चीज़ नहीं है, बस ध्यान से समझिए। ज़मीर इस्तेफहामी किसको बोलते हैं, देखिए इस्तेफहाम के मतलब होता है सवाल, क्या होता है सवाल, जिस ज़मीर से सवाल पूछा जाए, सवाल हो। अब जैसे बोलते हैं कोई गेट खटखटा रहा, उसका नाम नहीं पता, तो बोलते कौन है, तो कौन क्या हो गया, कौन है तो कौन क्या हो गया, ज़मीर इस्तेफहामी। उल्टा पुलटा लिखा गया यार, मतलब लिखा है नहीं, ये पीडीएफ बनने में गड़बड़ा गया, मैंने लिखा सही, क्या खाओगे, कौन आया, कौन आया, बोलते ना कौन आया, कौन आया, नाम नहीं पता है, अच्छा क्या खाओगे, नाम नहीं पता, हम बोले क्या खाओगे, तो उस कोई खाने वाला चीज़ के नाम के यहाँ पे क्या बोल रहे, मतलब सवाल करें, प्रश्नवाचक सर्वनाम, इसको बोलते इस्तेफामी, ठीक है ना, इसको ज़मीर सवालिया भी बोला जा सकता है, ठीक है ना। चलिए इस्तेफाम मतलब सवाल होता है। ज़मीर इशारी क्या होता है, इशारी समझ रहे हैं, जिससे इशारा किया जाए, है ना, ज़मीर इशारी मतलब जिससे इशारा किया जाए, जैसे वो दौड़ रहा है तो वो क्या हो गया, ज़मीर इशारी, ये काम है, ये काम है, ये क्या लिख दिया, अच्छा समझो यहाँ पे, वो दौड़ रहा है, ये क्या कर रहे हो, ये मेरी किताब है, वो उसकी किताब है, तो ये क्या हो रहा है, इशारा कर रहा है ना, ये मेरी किताब है, वो उसकी किताब है, तो हम नॉन जहाँ पे बोले ये मेरी किताब, इशारा करके बोल रहे हैं, तो ज़मीर क्या हो जाएगी, इशारी हो जाएगी, नॉर्मल सा है, वर्ड्स को समझना है।
जमीर मौसूला, ये समझिए मौसूला क्या होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, संबंधवाचक। हाँ संबंधवाचक बोलते हैं ना, कि जिसकी जो पढ़ेगा सो, जो खाएगा सो पाएगा। तो जो आ रहा यहाँ पे वही मतलब है जमीर मौसूला का, या मौसूली, वो जमीर, पता नहीं उल्टा पुल्टा, जिसकी वजाहत बाद के जुमले से हो। समझ में आ रहा, जैसे जिसने ये किताब लिखी थी वो मर गया, तो जिसने, है ना, क्या हो गया, जमीर मौसूला, जैसा करनी वैसा भरनी, जैसा क्या हो गया, जमीर मौसूला या मौसूली। जमीर तनकीरी, देखिए यहाँ पे यार पीडीएफ बनने में दिक्कत हो गया डियर, तनकीरा मैंने देखा नहीं, बस पढ़ाना शुरू कर दिया, क्योंकि रात के बज रहे हैं 1:25, आपको विश्वास नहीं होगा शायद, 1:25 हो रहा रात के, तो बनाने मुझे 2 घंटा लगे, तो वीडियो को लाइक वैक करेंगे इसी बहाने से, तो कम से कम देखिए जमीर तनकीरी, ये मतलब समझते हैं, जिसको बोलते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, जिससे किसी चीज़ की निश्चित निश्चय मालूम ना हो, कन्फर्म मालूम ना हो, जैसे बाज, कुछ, कोई, बोलते ना कुछ लोग, कोई, तो ये क्या हो गया, जमीर तनकीरी हो गया। अब देखिए यहाँ पे एक चार्ट में दिखा रहा हूँ, इसको ध्यान से देखिए, देखिए सवाल कहीं पूछता है, देखिए जमीर मुतकल्लिम मतलब फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर, फर्स्ट पर्सन प्लुरल नंबर, सेकेंड पर्सन सिंगुलर नंबर, सेकेंड पर्सन प्लुरल नंबर, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, थर्ड पर्सन प्लुरल नंबर। जैसे बोला मैं, तो मैं क्या है, वाहिद है, और जमीर वाहिद है ना, मतलब मैं, और ये क्या हो गया मुझे, सब जमीर वाहिद हो गया, और हम बोले तो क्या, जमा, मुतकल्लिम जमा, जमा मुतकल्लिम, तो मुतकल्लिम किसको बोलते हैं, बोलने वालों को, और जमा मतलब जो बोलने वाला जमा हो, जैसे हम मतलब ढेर सारा हो गया, और हम क्या है, मुतकल्लिम है, हम लोग। देखें जमीर वाहिद, मुखातिब वाहिद देखें, या हाजिर वाहिद, वाहिद देखें, तू, तू क्या है, वाहिद है, और ये क्या हो रहा है, जमीर के हिसाब से देखा जाए तो क्या हो जाएगा, तू जो है हाजिर हो जाएगा। इस तरह से गायब देखें, वाहिद गायब, वाहिद हाजिर, है ना, देखिए वो, तो वो तो एक आदमी के बारे में बोल रहा है, वो है नहीं, क्या गायब है, लेकिन है वाहिद और गायब है, तो वो वाहिद गायब हो गया। अच्छा बोलेंगे उन लोग, देखिए उन्होंने, उन्होंने अगर बोल दे तो उन्होंने क्या हो गया, उन्होंने, या उन्हों, मैं उन्हों को बता दिया, मैं उन उन लोगों को मैंने बता दिया, तो उन लोगों को ये क्या हो गया, जमा हो गया और गायब है। तो ये वाला भी सवाल सब, कभी सेगा बोलते हैं इसको, केस बोलते हैं इंग्लिश में, है ना, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर, तो कभी कोई सवाल पूछ लेता है कि इनमें से कौन ये है, तो बता दीजिएगा, वाहिद देखिएगा, देखिए पहले वाहिद है कि जमा है, और उसके बाद देखिए वो क्या है, मुतकल्लिम है, बोलने वाला है कि सुनने वाला है, कि जिसके बारे में बोला जा रहा वो है, हो गया जमीर वाहिद है कि, वाहिद है कि, सॉरी मुतकल्लिम है कि हाजिर है कि गायब है। अब देखिए इसमें इशारा, इशारा की 2 किस्म, ऐसे पूछता रहे लेकिन समझिए, इशारा करीब, करीब मतलब क्या होता है, नज़दीक, जो नज़दीक के लिए इशारा किया जाए, ये मेरी किताब है, ये मेरी किताब है, ये मेरा कलम है, ये मेरी कलम है, ऐसे बोलते ना, ये मेरा भाई है, तो ये से जो हो रहा, ये इन कुर्सियों को तोड़ दो, इन कुर्सियों को लेकर आओ, इन कुर्सियों को लेकर आओ, मतलब जो नज़दीक के बारे में इशारा करते हैं, ज़मीर इशारा करीब, करीब के मतलब होता करीबी, है ना, और जमीर इशारा बईद, देखिए बईद करीब का जिद है बईद, तो बोलते ना जब दूर की चीज़ को इशारा किया जाए, वो मेरी किताब है ना, वो मकान उनका है, वो मकान उनका है, उन लड़कियों को बोल दो, उन लड़कों को बोल दो, तो हो रहा उन लड़कों को बोल दो, दूर के बारे में इशारा करेंगे तो बईद, नज़दीक के बोलेंगे तो करीब, करीब मतलब नज़दीक होता है और बईद मतलब दूर होता है, ठीक है ना। मौसूल देखिए, मौसूल तो मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ, जिस जैसे यहाँ पे मिसाल अभी बताया ना, जमीर मौसूल वही है, जिसका, जिसने, जिन्होंने, ऐसे रहता तो हो जाएगा मौसूल। चले मोजाब समझते हैं, वो इसमें है जिसका ताल्लुक किसी दूसरे इसमें से हो, ये सवाल पूछा था पिछले बार, महमूद का लड़का खुदा का बंदा, ऐसे देखिए खुदा का लड़का का ताल्लुक किससे है, महमूद से है ना, खुदा का बंदा, तो बंदा का ताल्लुक किससे है, खुदा से हो रहा है। अब यहाँ पे समझिए पॉइंट, समझिए यहाँ पे सवाल पूछता है जी, देखिए महमूद का लड़का जो दिख रहे हैं यहाँ पे, तो मैं जो है महमूद का लड़का, में महमूद क्या हो गया, महमूद मोजाफ हो गया, और जिसका ताल्लुक जिससे है, देखो महमूद का लड़का तो किसका ताल्लुक है, लड़का का ताल्लुक है महमूद से ना, महमूद का ताल्लुक नहीं, लड़का का ताल्लुक महमूद से, जोर किसे पड़ रहा, लड़का पे जोर पड़ रहा, महमूद का लड़का, तो लड़का का ताल्लुक है महमूद से, ठीक है ना, तो लड़का जो हो जाएगा मुजाफ इलै, क्या हो जाएगा, मुजाफ इलै, जैसे बोलेंगे खुदा का बंदा, देखिए खुदा का बंदा, तो किसका ताल्लुक बताओ, खुदा का ताल्लुक बंदा से, या बंदा का ताल्लुक खुदा से, बंदा का ताल्लुक खुदा से, उर्दू में ऐसे लिखा रहेगा, है ना, ये उर्दू उर्दू टाइप का है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मुजाफ, और जो बंदा जिससे जिसको ताल्लुक रहेगा, जिससे मुजाफ इलै, क्या हो जाएगा, मुजाफ इलै,
लेकिन अगर फारसी में बोला जाए बंदाए खुदा, ऐसे नहीं बोलेगा, लेकिन देख लीजिए बंदाए बंदाए खुदा अगर बोल रहे तो उलट गया बात, बंदाए खुदा मतलब खुदा का बंदा, तो अब ई हो जाएगा मुजाफ इलैह, ई हो जाएगा मुजाफ, बात वही है खुदा ही मुजाफ होगा जिसका जिससे ताल्लुक होगा, जिसका जिससे ताल्लुक होगा वो मुजाफ इलैह होगा। देखिए ना खुदा का बंदा, तो बंदा का ताल्लुक खुदा से है तो बंदा हो जाएगा मुजाफ इलैह और जिससे ताल्लुक है मुजाफ हो जाएगा। ठीक है, सवाल पूछा था एक बार कि इसमें मुजाफ इलैह कौन है, मुनादा समझते हैं, मुनादा मतलब होता है जिसको पुकारा जाए, मुनादा मतलब जिसको पुकारा जाए, एक लफ्ज है जैसे अरे भाई अरे कल्लू पुकार रहे हैं, एक लफ्ज है निदा, है ना निदा, जिससे पुकारा जाए, जैसे बोले अरे अजी, है ना बोलते ना अरे आए, है ना आए बोलते ना आए हामिद इधर आओ, तो ये जो अरे अजी अबे ऐसे जो बोल रहे हैं वो क्या हो गया निदा हो गया, निदा मतलब एक लफ्ज है जिससे पुकार जिससे पुकारा जाता है, और जिसको पुकारा जाता है मुनादा। जैसे यहाँ पे अगर एग्जांपल अगर दे दें कि अरे अरे वाहिद इधर आओ, है ना अरे वाहिद इधर आओ, ऐसे अगर मैं बोल रहा हूँ तो देखो अरे बोल रहा हूँ आए वाहिद, अच्छा चलो अरे वाहिद इधर आओ, तो पुकार किसको रहे हैं वाहिद को पुकार रहे हैं, तो वाहिद क्या हो जाएगा, वाहिद हो जाएगा मुनादा, क्या हो जाएगा यहाँ पे जबर है खड़ा जबर होगा मुनादा, और अरे क्या होगा अरे हो जाएगा निदा, तो जिस लफ्ज से पुकारा जाता है वो लफ्ज निदा है और जिसको पुकारा जाता है उसको मुनादा। क्लियर है, भूलिएगा ना भाई। इसमें नकरा बहुत अच्छा, अब इसमें आरफा हो गया, इसमें नकरा छः किस्में हैं, ध्यान में रखें छः किस्में हैं, कौन कौन है, ज़र्फ आला आला, इसे मुकब्बर मुकब्बर सौत आम, इसे मुसग्गर इसे मुकब्बर, बहुत ही आसान है, बहुत एकदम बउआ टाइप का यार, इतना बार मैं पढ़ाया हूँ फिर भी मैं सोचा कि एक वीडियो में पढ़ा दूँ ताकि आप लोग का ना बार बार खिंच खिंच खत्म हो जाए कि सर पढ़ा दीजिए, इसलिए एक बार देख लीजिए पूरी वीडियो, फिर कोई नहीं बोलना फिर आप उर्दू ग्रामर पढ़ाइए, और नंबर कटना नहीं चाहिए। इसमें ज़र्फ़ मतलब तो वो नाम है जिसमें वक्त या मकाम का मफहूम मालूम, सिंपल समझिए, इसमें ज़र्फ़ वो इसमें है जिसमें किसी वक्फे किसी जमाना किसी वक्त क्या बोलते हैं किसी वक्त या किसी मकाम कोई जगह का नाम मालूम हो, किसी कोई वक्त का नाम या कोई जगह का नाम क्या बोलेंगे इसमें ज़र्फ़ बोलेंगे। जैसे ईदगाह, देखिए यहाँ पे जैसे स्कूल जगह का है, कॉलेज घर मैदान, उल्टा पुलटा हो गया, ईदगाह देखो ना यहाँ पे मिल गया जा करके, ये PDF में पता नहीं ऐसे क्यों हो गया, ईदगाह कुतुब खाना सुबह दोपहर, देखिए क्या हुआ टाइम हो रहा ना, सुबह क्या है समय है, दोपहर क्या समय है, है ना शाम आज कल ये सब क्या है समय है, तो वक्त मालूम हो या जगह मालूम हो तो क्या बोलेंगे उसको ज़र्फ़ बोलेंगे, और ज़र्फ़ को दो भाग में बांट दिया, अगर वक्त मालूम हो रहा तो उसको बोलेंगे ज़र्फ़ ज़माना, अगर जगह मालूम हो रहा तो ज़र्फ़ ज़मा ज़र्फ़ जगह, क्या देखो लिख दिया जिसमें जगह मालूम हो उसको ज़र्फ़ मकान बोलते हैं मकान, हो गया, जैसे कोई जगह का नाम रहेगा, और जिसमें वक्त मालूम हो उसको ज़र्फ़ ज़मा बोलते हैं, मतलब कोई ज़माना सुबह शाम क्या है, मतलब उसी को दो भाग में बांट दिया। तो बेसिकली आपको ये नहीं पूछा गया था ना, इस डायरेक्ट ही पूछेगा इसमें ज़र्फ कौन है, तो चाहे कोई जगह का नाम रहे चाहे वो कोई वक्त का नाम रहे ज़र्फ हो जाएगा। ठीक है, चलिए आला बहुत आसान है, पूछता भी है, आला मतलब होता है औजारों या हथियारों का नाम होगा तो समझना इसमें आला है, है ना औजार का नाम या हथियार का, छुरी चाकू कैंची बिलना हथौड़ी खुरपी, है ना कबगीर, क्या हो गया ये सब हो गया इसमें आला। क्लियर है, मुकब्बर समझते, ओ भाई साहब मुकब्बर मिस्टेक हो गया, मुकब्बर देखिए मुकब्बर वो नाम है जिससे किसी चीज़ की, देखो कैसे कैसे लिखा गया यार, सच बता रहा हूँ इसको बहुत अच्छा से लिखा मैंने, PDF में गड़बड़ा गया, खैर मेरी बात सुनिए, मुकब्बर बोल अकबर से बना है, अकबर मतलब होता बड़ा और मुकब्बर मतलब बड़ा, जिससे किसी चीज़ की छोटा या बड़ा होने का मालूम हो, कोई चीज़ छोटा है कि बड़ा है तो इस मुकब्बर में बड़ा मालूम होगा, किस चीज़ की बड़ाई मालूम कि हम क्या चीज़ है कि भारी भरकम बड़ा चीज़ मालूम हो, कोई चीज़ जब बड़ा मालूम हो तो उसको बोलते हैं मुकब्बर। जैसे देखिए घंटा, आज देखिए मुसग्गर, इसी के साथ में लिख पढ़ते समझते हैं, मुसग्गर मतलब छोटा, असगर से बना है, असगर मतलब छोटा, तो जिससे किसी चीज़ की छोटा होने का मालूम हो, कोई छोटा चीज़ है उस वो चीज़ मालूम हो, वो नाम जिससे किसी चीज़ का छोटा होना मालूम हो, कैसे लिखा गया चीज़ का छोटा होना मालूम है, जैसे देखिए घंटा, घंटा बड़ा है घंटी, घंटा बड़ा होता है ना घंटी छोटा होता है, ढोल बड़ा है और ढोलक क्या है छोटा है, बाग बड़ा है बाग और बगीचा छोटा है, ये क्या लिखा गया भाई कुछ और, अच्छा पगड़ पगड़ है पगड़ उल्टा पुलटा हो गया, पगड़ है ना, अब पगड़ी छोटा होता है, किताब किताब क्या है किताब बड़ा है
किताबचा क्या है? किताबचा जो है वो छोटे है, जो पॉकेट किताब बोलते हैं, पॉकेट किताब, किताबचा क्या हो जाएगा, छोटे हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें सवाल बहुत पूछा है, इनमें से मुकब्बर कौन, मुसग्गर कौन बहुत बार पूछा है, आप मिस्टेक मत कीजिएगा। मुकब्बर मतलब बड़ा चीज, मुसग्गर मतलब छोटा चीज। देखिए सौत क्या होता है, जिससे किसी चीज का जानदार या कोई चीज का आवाज मालूम हो, टन टन घन घट घट म्याओ म्याओ भाव भाव गुटर गो, है ना, ये भी आवाज मालूम हो रहा है, ठक ठक। तो ये जो किसी चीज की या कोई चीज की नाम, किसी चीज की आवाज मालूम हो, कोई जानदार हो या बेजान आवाज मालूम हो, तो उसको क्या बोलते हैं, सौत। सौत के मतलब ये होता आवाज, सौत मतलब आवाज, ठीक है ना, अब नहीं भूलेगा। आम, आम जैसे लाइक वही आम चीज है, कोई सामान्य नाम हो गया, जातिवाचक हो गया, है ना, किसी चीज का किसी नवयत की सारी चीज मालूम हो, मतलब वही किसी प्रकार के सारी चीज मालूम हो, जैसे बोलते हैं पहाड़, मर्द तो पूरा मर्द हो जाएगा, औरत पूरा औरत, आम मतलब कोई खास नहीं, आम चीज हो गया। अच्छा एक चीज बताना भूल गया, इसमें मारफा को इसमें खास भी कहते हैं और इसमें नकरा को इसमें आम भी कहते हैं, ठीक है, बात अगर सुन ले तो अच्छी बात है। फेल, फेल के बारे में जानते हैं, फेल समझते हैं जिससे किसी काम का करना होना समझा जाए, देखिए रोना पढ़ना गाना सोना पढ़ना लिखना, जमाना, देखिए क्या लिखा गया, जमाना के लिहाज से याद कर लीजिएगा, जमाना के लिहाज से फेल की तीन किस्में, कितने उल्टा उल्टा लिखा गया, फेल की तीन किस्में, मेरा मेहनत पे पानी फिर गया, जमाना के लिहाज से फेल की तीन किस्में, लेकिन आप लोग अगर वीडियो को लाइक वेक करोगे तो पानी नहीं फिरेगा। खैर यहाँ पे जो भी लिखा हो मैं समझा रहा हूँ, आइए फेल में जमाना के लिहाज से तीन किस्में होता है, सवाल पूछा है फेल से कितना किस्में, तीन किस्में, फेल माजी, फेल हाल, फेल मुस्तकबिल। अब बताने की जरूरत है, इसको बोलते हैं पास्ट, क्या बोलते हैं पास्ट, इसको बोलते हैं प्रेजेंट, क्या बोलते हैं प्रेजेंट, इसको बोलते हैं फ्यूचर। अब बोलो डिफिनेशन बताने की जरूरत है ना, ना माजी गुजरा हुआ जमाना को, जैसे चलो यहाँ पे कुछ और, महमूद किताब पढ़ता था, वो गाता था, आप पढ़ते थे, वो खाती थी, वो रोटती थी, है ना, वो हंसती थी, वो आते थे, वो जाते थे, फेल माजी हो गया, ठीक है। फेल हाल हो गया वो फेल जो मौजूदा जमाना में हो रहा है, जो अभी चल रहा है ना, जैसे खालिद पढ़ रहा, आप लोग वीडियो को लाइक कर रहे हो, है ना, आप मेरे मुझे देख रहे हो, आप पढ़ते हो, तो ये हो गया क्या, महमूद खत लिखता है, तो हो गया हाल हो गया। मुस्तकबिल समझते हैं, जो आने वाला जमाना होगा, वो फेल जो आने वाले जमाने में होगा, जैसे आप लोग एग्ज़ाम दोगे, आप लोग 450 नंबर लाओगे, ठीक है ना, आप लोग बिहार टॉपर बनोगे, बहुत सारा सवाल बन जाएगा। यहाँ पे मैं क्या बोलूँ, कुछ नहीं बोलूँगा, वो इस तो उल्टा पुल्टा हो गया पीडीएफ में। चलिए समझिए फाइल क्या होता है भाई, ये बहुत समझिए। अच्छा फेल समझ गए ना, फेल क्या होता है, भर भी होता है। फाइल को बोला गया सब्जेक्ट, क्या बोला गया सब्जेक्ट, काम करने वालों को फाइल कहते हैं, क्या काम करने वालों को फाइल कहते हैं। महमूद खत लिखता है तो महमूद क्या हो रहा, काम कर रहा, तो महमूद क्या हो गया, फाइल हो गया, समझाया, सब्जेक्ट को बोलते हैं फाइल, करता, काम करने वालों को फाइल कहते हैं। और मफूल, मफूल वो है जिस पर किसी, जिस पर क्या लिखा, किसी काम का करने का असर हो, जिस पर किसी काम के करने का असर हो, सिंपल समझिए। मफूल बोलते हैं ऑब्जेक्ट को, किसको बोलते हैं, ऑब्जेक्ट को बोलते हैं, मफूल किसको बोलते हैं, ऑब्जेक्ट को बोलते हैं, जिस पर किसी काम का करने का असर हो, जैसे महमूद खत लिखा, तो महमूद क्या हो गया, महमूद खत लिखा, ये हो गया ऑब्जेक्ट, महमूद खत लिखा तो महमूद क्या है, फाइल है, क्या है, फाइल है, और खत क्या है, मफूल है, क्या है, मफूल है, और लिखना मतलब लिखता क्या है, ये तो फेल हो गया, भर में हो गया, है ना, तो इसमें लफ्ज खत क्या है, मफूल है, जिस पर कोई काम किया जा रहा, समझ रहा, जैसे अगर मैं बोलूं आप, देखिए एग्जांपल, आप उर्दू कवायद, चलो आप डायरेक्ट कवायद लिखो ना, आप कवायद पढ़ रहे हो, आप कवायद पढ़ रहे हो, तो आप क्या हो गए, आप हो गए फाइल, मतलब सब्जेक्ट हो गए, कवायद काम किस पे हो रहा, कवायद पे काम हो रहा, ये हो गया मफ़ऊल हो गया, ठीक है ना, और पढ़ रहा हूँ क्या हो गया, ये हो गया फेल, क्या हो गया, फेल हो गया, तो समझा रहा, सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है, फेल है, ठीक है। अब जो कुछ फाइल का कुछ और यहाँ पे दे दिया मैंने डिफिनेशन अलग सा, हालांकि मे भी पूछ ले, लेकिन ऐसा तो पूछा नहीं, लेकिन मे भी नॉर्मल सा है, समझिए। देखिए फेल लाजिम, फेल लाजिम ये वो फेल है जिस जो सिर्फ फाइल से मिलकर बन जाता है, मतलब सब्जेक्ट से मिलकर बनता है, ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़े, ठीक है। फेल लाजिम नाम देखो, फेल लाजिम, फेल क्या है, लाजिम होगा, ये वो फेल है जो सिर्फ फाइल से मिलकर बन जाता है, जैसे अहमद रोता है,
ठीक है ना। तो अहमद क्या हो गया, फाइल है। रोता क्या है, फेल है। वो सो गया, वो क्या है, फाइल है। सोना क्या है, फेल है। तो इसमें फेल और फाइल ही देखेगा, ठीक है ना। जो सिर्फ सिर्फ फाइल, इसमें सिर्फ फाइल रहेगा, मतलब ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा, मफूल नहीं रहेगा। और फेल मुतैदी, ये वो फेल है जो अपने माने को पूरा करने के लिए फाइल और मफूल दोनों का सहारा लेता है, यानी कि इसमें फेल और फाइल दोनों रहेगा। जैसे अहमद ने किताब पढ़ा, तो अहमद हो गया फाइल, है ना, और किताब हो गया मफूल। तो पूरा सेंटेंस अहमद ने किताब पढ़ा, समझ आ रहा। अगर एक ऐसा सेंटेंस जिसमें फेल और फाइल हो, मैं पढ़ता हूँ, मैं हूँ फाइल और पढ़ना हो गया फेल, आप देखते हो, वो हंसती है, वो चिल्लाती है, आप रोते हो, अहमद गाता है, तो क्या गाता है पता नहीं चल रहा, क्या का कोई जवाब नहीं आ रहा, क्या पढ़ता है, क्या सोता है, क्या गाता है, कहाँ सोता है, सिर्फ अहमद गाता है, वो खाता है, वो रोता है, ऐसे रहे, फेल रहे और फाइल रहे। और फेल मुतैदी में फेल फाइल मफूल तीनों रहेगा। जैसे देखिए, महमूद खत लिखा, तो महमूद क्या हो गया, फाइल हो गया। खत क्या हो गया, मफूल हो गया। लिखना क्या हो गया, फाइल हो गया, फेल हो गया। तो फेल फाइल मफूल दोनों रहेगा। उसके बाद देखिए फेल मारूफ, कि फेल मारूफ को आप जस्ट लाइक बोल सकते हैं एक्टिव वॉइस, है ना, और फेल मफूल को बोल सकते हैं पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस में क्या होता है, देखिए ये वो फेल है जिसका फाइल मालूम हो, फाइल मालूम होता है, जैसे कि अहमद ने खत लिखा। सद राशिद ने उर्दू पढ़ा। देखिए एक्टिव वॉइस ये होता है नॉर्मल सेंटेंस, राशिद ने उर्दू पढ़ा, तो राशिद इसे फाइल मालूम हो। एक्टिव वॉइस में क्या होता है, सब्जेक्ट मालूम होता है, और पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट ही गैप हो जाता है। उर्दू पढ़ा गया, उर्दू लिखा गया, है ना, आम खाया गया, किसने खाया पता नहीं चल रहा, आम खाया गया, आम वाज ईटन, खाया गया, है ना। देखिए तो इसमें क्या रहेगा, फेल मारूफ एक्टिव वॉइस, जिसमें फाइल मालूम हो, जिसका फाइल मालूम हो, वो आया, वो खाया, वो उर्दू पढ़ा, वो खत लिखा। अब जिस इसमें को मजहूल बोलते हैं, जिसका फाइल मालूम ना हो, खत लिखा गया, कौन लिखा नहीं पता चल रहा, खत लिखा गया है ना, उर्दू पढ़ा गया, कौन पढ़ा नहीं पता चल रहा, उर्दू पढ़ा गया, है ना, आपको पीटा गया, कौन पीटा नहीं पता चल रहा ना। तो जिसमें फाइल ना हो, जिसमें सब्जेक्ट ना हो, उसको बोलेंगे मजहूल, ठीक है ना, जिसमें सब्जेक्ट रहेगा उसको मारूफ, यानी कि एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस। कुछ और फेल की किस्में, फेल अमर, ये सवाल पूछा है, ये वो फेल है जिसमें किसी काम का करने का हुक्म दिया जाए, यहाँ आओ, वहाँ जाओ, लाइक करो, आई एम ऑर्डरिंग यू, लाइक करो, ठीक है ना, ये मैं हुक्म दे रहा हूँ, ये मेरा हुक्म है, लाइक करो, ये क्या दे रहा हूँ, मैं हुक्म दे रहा हूँ। तो जब हुक्म दिया जाएगा तो क्या होगा, फेल अमर, ऑर्डर वाला सेंटेंस, पॉजिटिव ऑर्डर। और एक है फेल नहीं, ये वो फेल है जिसमें किसी काम का करने का हुक्म ना दिया जाए, हुक्म फेल काम के ना करने का हुक्म दिया था, हुक्म दिया लेकिन ना काम के नहीं करने का, है ना। जैसे बोलेंगे आप लोग एक इस वीडियो को पूरी कहीं पे छोड़िएगा नहीं, हुक्म दे रहे ना, आप लोग इस वीडियो को नहीं छोड़िएगा, हुक्म नहीं, मना इस काम को करने का हुक्म नहीं दे रहे हैं कि नहीं कीजिएगा ऐसा काम, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा क्या, फेल नहीं, अमर, समझ रहे हैं। देखिए उधर मत आओ, सिंपल, इधर मत आओ, यहाँ मत जाओ, वहाँ मत खेलो। तो जहाँ पे ऑर्डर मना करने वाला हो, जहाँ पे ऑर्डर का हो मना करने वाला हो, उसको क्या बोलेंगे, फेल नहीं। और जहाँ पे ऑर्डर पॉजिटिव हो, फेल अमर, ठीक है। चलिए फेल माजी किसमें, बहुत अच्छा ये चैप्टर है, थोड़ा सा इसको समझते हैं। फेल माजी जिस सिफ्त से, जिस फेल से किसी गुजरे हुए ज़माने का, फेल माजी समझते हैं, फेल का तीन किस्में पढ़े, वो फेल माजी के किस्में से पूछा जाता है। फेल माजी की छः किस्में, कितनी किस्में हैं, छः किस्में, मैंने बहुत बार बताया है, फिर भी इस वीडियो में कवर करेंगे। फेल माजी मुतलक, फेल माजी करीब, फेल माजी बईद, फेल माजी इस्तमरारी या तो तमन्नाई, ना तमाम बोलते हैं, फेल माजी शकिया या इहतमाली, फेल माजी तमन्नाई, ये छः प्रकार के होते हैं फेल माजी की किस्में। आइए, बड़ा इंटरेस्ट है, फेल माजी ये वो फेल है जिससे ये मालूम ना हो कि काम अभी हुआ है या देर हुआ है, मतलब पता ही नहीं चले कि काम अभी हुआ कि देर हो गया। फेल माजी मुतलक में काम पता ही नहीं चलेगा कि काम अभी हुआ कि देर हो गया। जैसे आपने पढ़ा, कब पढ़ा पता नहीं चल रहा। जैसे यहाँ पे देखें, अहमद ने रोटी खाई, कब खाई नहीं पता चल रहा। मैंने पढ़ा, तुम गए, इसमें से पता नहीं चला कि अभी हम पढ़े कि देर हो गया है पढ़े हुए। तुम गए, अभी गए कि बाद में गए। अगर बोलता तुम गए थे तो दूर होगा, तुम गए हो तो थोड़ा लगता हाँ अभी तुरंत में जा रहा। तो जिससे पता ना चले कि अभी कम हुआ या बाद में कम हुआ, तो फेल माजी मुतलक। आपसे डिफिनेशन नहीं पूछेगा, बोलेगा इनमें से फेल माजी मुतलक कौन है, डिफिनेशन ऑप्शन से पता करना है, मिसाल दिया रहेगा। देखिए फेल माजी करीब, करीब मतलब जो काम अभी हुआ है,
जो काम गुजरे हुए थोड़ा सा वक्त हो रहा है। जैसे देखिए, अहमद ने रोटी खाई है, इसके सब के लास्ट में है लगा रहेगा या हूँ लगा रहेगा या हो लगा रहेगा। अहमद ने रोटी खाई है, इससे क्या पता चल रहा कि अभी ही खाई होगी, है ना। मैंने पढ़ा, मैं पढ़ा हूँ, मतलब क्या पता चल रहा, मैं अभी ही पढ़ा हूँ, है ना। तुम गए हो, पता क्या चल रहा, अभी ही गए हो लगा हुआ है, ठीक है ना। इसको बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है। आगे देखिए, फेल माजी बईद, फेल माजी बईद मतलब दूर, वो फेल जिसे पता चले कि काम हुए बहुत देर हो गया है, इसमें था लगा रहेगा। अहमद ने रोटी खाई थी, अच्छा अहमद ने रोटी खाई पता ना चला, तो बोले फेल माजी मुतलक, अहमद ने रोटी खाई पता चल रहा, अभी खाई करीब, और अहमद ने रोटी खाई थी लगा रहा है तो समझना बहुत देर हो गया, तो फेल माजी बईद, मैं पढ़ा था बईद, है ना। तुम गए थे, तुम गए हो था तो क्या था, करीब था, तुम गए थे तो क्या हो गया, बईद हो गया। अब नहीं समझोगे तो कभी नहीं समझोगे, तुम सच बता रहा हूँ। फेल माजी इस्तेमरारी बोलते हैं किसको, जिसको बोलते हैं कंटिन्यूअस सेंटेंस को। अच्छा, इसको ऐसे ही बोलते हैं, ये वो फेल है जो ये मालूम हो कि गुजरे हुए ज़माने में हो रहा था। अच्छा, फेल माजी इस्तेमरारी मतलब ये पता चले कि गुजरे हुए ज़माने में काम समाप्त नहीं हुआ, ना तमाम बोलते हैं, ना तमाम। दो चीज़, या तो गुजरे हुए ज़माने में काम तमाम ना हो रहा होगा, जैसे देखिए अहमद रोटी खा रहा था, क्या खा रहा था, रोटी खा रहा था, ज़माना में रोटी खा ले, खाया था नहीं, खा रहा था। इस सेंटेंस से पता चला कि रोटी खा रहा था, अभी वो कंप्लीट नहीं हुआ सेंटेंस के अकॉर्डिंग, कि अभी पिछले गुजरे हुए ज़माने में काम चल रहा था, है ना। मैं पढ़ रहा था, देखिए रहा रहे, तुम आए थे पहले ज़माने के बारे में बता जा रहा, ठीक है ना। तो ये पास्ट टेंस के अकॉर्डिंग भी आ जाता है, और इसमें ज़्यादा करके सेंटेंस ऐसे आता है, रहा था रही थी आएगा, इस्तेमरारी या तो ना तमाम, ठीक है। ये बड़ा आसान है, माजी शकिया, शकिया में जिसको शक पाया जाता है, जैसे अहमद रोटी खाया होगा, अहमद रोटी खाया होगा, आप वीडियो को लाइक किए होंगे, मेरे को भी शक हो रहा कि पता नहीं आप वीडियो लाइक किए कि नहीं किए, शक हो रहा ना, कि मैं पढ़ा होगा, तुम गए होंगे, है ना, आप मुस्कुराए होंगे, तो ये शक हो रहा, जिसमें शक होगा, होगा होगा लगा रहेगा, ठीक है ना। चलिए, तो ये तो तुरंत पहचान लीजिएगा। तमन्नाएं तो एकदम और आसान है, तमन्ना जिसे तमन्ना पाया जाए, वो ये वो फेल है जिसमें गुजरे हुए ज़माने में काम करने या होने का तमन्ना पाया जाए, आरजू ख्वाहिश, है ना। काश हम अहमद पढ़ा होता, काश आप मेरे यहाँ होते, काश आप मेरे सामने होते, काश मैं पढ़ा होता, काश मैं भारत का प्रधानमंत्री होता, तो पूरी दुनिया को सुधार देता, काश मैं पंछी होता, आकाश में उड़ता, तो काश मतलब ख्वाहिश पता चले ना, तो बोलते तमन्नाई, क्लियर है। आइए सिफत के बारे में पढ़ते हैं, सिफत भी आता सवाल, सिफत की 6 किस्में, सारे किस्में को ध्यान में रखिएगा, सिफत जाती, सिफत निस्बती, अददी, सिफत मकदारी, सिफत इशारी, सिफत इस्तेफामी, सबको वर्ड समझिए। सिफत जाती मतलब किसी जात, ये वो सिफत जो मौसूफ की जाती या जात मौसूफ की जात जात की मौसूफ की जाहिरी या क्या लिखा मौसूफ की जाहिरी या बातनी सिफत को जाहिर करें, मतलब एक ऐसा सिफत जो इन मौसूफ है, मौसूफ समझ रहे ना, किसको बोला गया मौसूफ, जिसकी सिफत बयान की जाती है, जैसे मैं तुम वो किसी का, तो उसका जाहिर जो दिख रहा या छुपा हुआ सिफत बयान किया जाता है, उसको बोलते सिफत जाती। जैसे जहीन लड़का, लड़का कैसा है, जहीन है, तो जहीन दिखता है अंदर से, मतलब दिखता तो नहीं ना, जहीन कैसा है, अंदर में बुद्धि उसका है। तेज घोड़ा, घोड़ा देखा, हाँ तेज दौड़ रहा, तो दिखता तेज घोड़ा, है ना। सुर्ख फूल, सुर्ख मतलब लाल फूल, अब देखिए फूल दिख रहा कैसा लाल है, मतलब सिंपल सा समझिए कि ये समझो सिफती है, नॉर्मल सा, लाल गुलाबी हरा पीला जो भी है जाति में सब आ जाएगा, ठीक है ना। लंबा लड़का, छोटा आदमी, बड़ा आदमी, काला आदमी, सब आ जाएगा इसमें। और सिफत निस्बती समझिए, निस्बत मतलब वो सिफत जिस जो मौसूफ की निस्बत किसी दूसरी चीज़ से हो, मतलब किसी दूसरी चीज़ से निस्बत हो, किसी दूसरी चीज़ से लगाव हो। जैसे अगर कोई हिंदुस्तान का है तो बोलते हिंदुस्तानी, कोई पंजाब तो पंजाबी, कोई पथरीली ज़मीन है तो बोलते पथरीली ज़मीन, ये उल्टा हो गया, है ना। कोई कश्मीर का है तो क्या बोलते कश्मीरी, समझ आ रहा ना। कोई बिहार का है तो बिहारी, तो क्या हो गया निस्बत है, किससे कहाँ से निस्बत है, बिहार से निस्बत है, कश्मीर से निस्बत है तो कश्मीरी बोल दिया, है ना। अमेरिका से निस्बत है तो अमरीकी बोल दिया। चलिए सिफत मकदारी, जस्ट लाइक समझते हैं, मकदार मतलब परिणाम वाचक जी, परिणाम वाचक बोलते हैं, वो है जिसमें किस चीज़ की, यार देखो यार मेरे को गलती मत बोलना, ये मैंने सुधारा बहुत लेकिन गड़बड़ा गया, मकदार मालूम, क्वांटिटी मालूम। जैसे देखिए थोड़ा सा दूध, तो थोड़ा क्या हो रहा, है ना, मकदार हो रहा, बहुत सारा पानी, है ना, कुछ थोड़ा सा मकदार, है ना, 2 लीटर दूध, थोड़ा सा, है ना, थोड़ा सा पानी, ऐसे बोलते हैं ना, ये क्या हो गया मकदार हो गया। और अददी
समझाया, मिकदारी, मिकदारी मतलब परिणाम वाचक क्वांटिटी, ठीक है ना। और अददी बोलते हैं क्या, संख्यावाचक, संख्यावाचक जिससे किसी चीज़ की संख्या मालूम हो, वो सिफत है जिससे किसी शख्स या चीज़ की तादाद मालूम हो, जैसे कि 500 आदमी, 400 लड़का, ढेर सारा आदमी, है ना, कुछ लोग, ऐसे तो क्या हो जाएगा, सिफत है अददी, अदद मतलब गिनती होता है, अदद मतलब गिनती, संख्या। तो देखिए मतलब मकदार मतलब परिणाम, जिसे मकदार मालूम हो कितना, थोड़ा सा, 2 किलो, 5 किलो, ये मकदार क्वांटिटी मालूम हो रहा है ना, 10 आदमी, ये हो रहा अदद मालूम हो रहा है उसका। चलिए एक इशारी, तो इशारी तो सिंपल है, इशारी इशारे से हो रहा, इशारी इशारे हो तो सिंपल इशारा हो रहा, किस चीज़ की तरफ इशारा किया जाए, जैसे ये मेरा लड़का है, क्या लिखा जा रहा है, ये मरवा का, ये वो उसका भाई है ना, आगे पीछे हो गया सेंटेंस यार, ये मेरा लड़का है, ये उसका भाई, तो इशारा करके बोल रहा ना, ये सिफत है, ये मेरा लड़का है, ये उसका भाई है ना, सिफत हो गया इशारी। सिफत इस्तेफामी, इस्तेफामी समझते हैं ना, सवाल वाला, जैसे कि सवाल पूछा जाए, जैसे कौन शख्स आया, कौन शख्स आया, ये कैसा काम है, सवाल पूछे कौन शख्स आया, कैसा काम है, इस्तेफाम मतलब समझो सवाल, जिससे सवाल पूछा जाता है। चलिए जुमला, कभी कभी जुमला सवाल पूछता है, जुमला के किसमें, जुमला किसमें तो नहीं पूछता लेकिन बोलता है इनमें से कौन सा जुमला है, जैसे जुमला खबरिया, खबरिया जिसे खबर पता चले, वो जुमला जिसे कहने वाले को सच्चा या झूठा कह सकता है, जैसे महमूद कल आया था, सिंपल जुमला, महमूद कल आया था, बोले झूठ बोल सकता है, कल आया था कि नहीं आया था, मतलब सिंपल सा जुमला जिसे सच्चाई या झूठी या सच्चे खबर पता हो सकता है ना। जी क्या है, जाहिद आलिम है, क्या लिखा गया है, देखो जाहिद आलिम है, जाहिद आलिम है, ठीक है ना, तो इसको जरूर नहीं है कि यहाँ पे झूठ सच मतलब पता चल सकता है, झूठ हो सकता है सच भी हो सकता है, तो खबर मतलब जिस किसी चीज़ की खबर मालूम हो, इंशाया तो कुछ और ही यहाँ पे लिखा गया ना, जो कि दिमाग ख़राब किया था यहाँ पे, इंशाया यहाँ पे जुमला इंशाया, जुमला इंशाया, उल्टा पुल्टा हो गया, इंशाया इंशाया, जिसमें किसी कहने वाले को झूठी झूठा या सच्चा मालूम ना हो सके। जैसे देखिए, जैसे आगे यहाँ पे सवाल दे दें, मिसाल पे देखिए, अमर, अब बोले अमर, अगर बोलेगा जुमला क्या हो जाएगा, जुमला अमरिया, क्या हो जाएगा, जुमला अमरिया, जुमला अमरिया, जिसे ऑर्डर पता चले, जुमला नहीं है, फुटबॉल मत खेलो, है ना, तो इसमें सिंपल, इसमें इसमें झूठ सच की बातों में नहीं पता चलेगा, फुटबॉल मत खेलो। इस्तेफाम क्या क्या आ गया यहाँ पे, क्या कर रहे हो, देखो क्या लिखा गया, क्या कर रहे हो, है ना, सवाल पता चले, जिस जुमला से सवाल पता चले, जुमला इस्तेफामिया, तमन्ना जिससे, जिस जुमला से तमन्ना पता चले, निदा जिससे आवाज़ के पता चले, जुमला निदा हो गया, ताज्जुब, अय अल्लाह, अरे अल्लाह रे तेरी शान, देखो क्या लिखा, अल्लाह रे तेरी शान, है ना, या अल्लाह क्या हो गया, ताज्जुब, है ना, इसको बोलते फजाइया, जुमला फजाइया, क्या फजाइया, फजा ताज्जुब वाली बात, ओह कैसा काम हो गया, ओह फजाइया, ठीक है ना। तहसीन बोलते हैं सुभान अल्लाह, मतलब सुभान अल्लाह खूब का, मतलब खूब, तहसीन मतलब बड़ाई, खुशी, काश, क्या जवानी, क्या था यहाँ पे, क्या जवानी है ना, क्या महल है, ऐसा रहो है। अफसोस, हाय मुफ्त में उम्र गवा दी, मुफ्त में उम्र गवा दी, इसको सुधारना पड़ेगा मुझे पीडीएफ में, मुफ्त में उम्र गवा दी, तो ये हो जाएगा तो जुमला से। अब यहाँ पे कुछ ऐसा पॉइंट जो कि आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको बोलते हैं रमूजी औकाफ। जैसे देखिए खत्मा, खत्मा उर्दू में लिखते हैं ऐसे एक डैश रहता है छोटा सा, खत्मा जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फुल स्टॉप बोलते हैं ना, उर्दू में ऐसे होता है। कॉमा जो ऐसे देखते हैं वो क्या है, देखो यहाँ पे सख्ता बोलते हैं उसको। फिर ये जो देखते हैं इस तरह से देते हैं, फिर ऐसे देते हैं, सेमी कॉलन बोलते हैं, है ना, वक्फा बोलते हैं उर्दू में। राबता, दो ठो पॉइंट डालते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, राबता कहते हैं, कॉलन कहते हैं। तफसीला, देखो ऐसे देते हैं, तफसीला, है ना, तफसीलिया बोलते उसको। फिर इस्तेफामिया समझते हैं ना, इस्तेफामिया मतलब सवालिया, जिसमें सवाल का निशान होता है। निदाइया या फजाइया, ऐसे सवाल, है ना, निदाइया या फजाइया, ये निशान है, ये पिछले बार सवाल पूछा था, एक शायद वक्फा या सख्ता दे दिया था, कौमा दे दिया था, और बोलता ये क्या नाम इसका, इसको रमूजा और अपने क्या बोलते हैं, तो याद कीजिएगा, जो फुल स्टॉप बोलते हैं खत्मा, खत्म, फुल स्टॉप को खत्मा, खत्म हो जाता है, कौमा को बोलते हैं सख्ता, और ये क्या सेमी कोलन को बोलते हैं, सेमी कोलन को बोलते हैं वक्फा, और कोलन को राबता, ठीक है ना, और ये क्या है, कोलोन डैश जो है तफसीलिया, क्वेश्चन मार्क्स जो है ना, साइन ऑफ इंट्रोगेशन सवालिया, निदाइया हो गया, कौसाइन हो गया, ब्रैकेट वाला। चलो और कुछ बचा है,
अब देखो यहाँ पर कुछ वाहिद जमा है जो मैं फटाफट लिख देता हूँ, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना, स्क्रीन शॉट ले लीजिएगा। आइन जिद बताना है, जिद आइंदा का क्या हो जाएगा, गुजस्ता, क्या हो जाएगा, गुजस्ता, आगाज का अंजाम, सब काम का इसको कम, इतिहाद का इंतशार, इंतशार है ना, इंतशार, इंतशार, या तो इख्तलाफ भी बोल सकते, इख्तलाफ, इख्तलाफ, अमानत का खयानत, अमानत का खयानत, अपना का बेगाना, बेगाना, बाखबर का बेखबर, ठीक है, जली का खफी, जली का खफी, हराम का हलाल, ठीक है ना। चलो स्क्रीनशॉट ले लेना, आगे बढ़ते हैं हम। चलो आगे देखो, सवाल छोटा करेंगे तो कुछ ज़्यादा लिख पाएंगे हम, देख रहे आपको। चलिए हकीकी, हकीकी का मिजाजी, मिजाजी, ठीक है, हयात का मौत, अर्ज का समा, पर्दा का बेपर्दा, बेपर्दा, उल्टा हो रहा, जलवत का खलवत, जदीद का कदीम, इतना पढ़ लो बहुत काम आएगा, तौहीन का ताजीम, ताजीम, आबाद का वीरान, याद होगा बहुत सारा, उरूज का जवाल, ठीक है ना, करीब का बईद, पढ़े थे अभी, जुल्म का इंसाफ, खुश्क का तर, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। आगे देखें, अभी जीत ली, बंदा बनाना है, बंदा का क्या हो जाएगा, बंदा का हो जाएगा साहेब, क्या हो जाएगा, साहेब, तौकीर का तहकीर, तौकीर का तहकीर, रोशनी का तारीकी, या अंधेरा बोल सकते हैं, रोशनी का अंधेरा लिखो, अंधेरा, अंधेरा, इज्जत का जिल्लत है ना, राहत का मुसीबत, मुसीबत, शुमाल का जुनूब, जंग का अमन है ना, अमन मतलब शांति होता है ना, अमन, जंग, यहाँ पे देखिए इसका इधर लिखा है, जंग का, हरारत का बरोदत, बरोदत, जाहिर का बातिन, ठीक है ना, बातिन, जाहिर मतलब दिखता है, बातिन मतलब छुपा हुआ, तहारत का निजासत है ना, निजासत, शिकस्त का, शिकस्त हार होता ना, फतह, फतह, ग्रुप का तुलू, ग्रुप का तुलू, मगरिब का मशरिक, देखिए सब मुंह पे रहम रखिए, वाहिद जमा, जिद है, जिद है ये। चलिए आगे देखें, यहाँ पे जंग हो गया, हुसन, हुसन, हुसन का क्या होगा, कबाह, आरजी का क्या होगा, आरजी का हो जाएगा, अरे यार आरजी, आरजी का मुस्त, आरजी का, चलो देखते, खुशबू का बदबू, बदबू, खुशी का गम है ना, रगबत का नफरत, मुस्तकबिल, जिंदा का मुर्दा, मुस्तकिल, हाँ ये आरजी का, दोनों सेम है ये, आरजी का मुस्तकिल, देखो यहाँ पे आरजी का मुस्तकिल, मुस्तकिल का आरजी, फना का बका, तलक का शीरी, तलक का शीरी, गालिब का मगलूब, जिस पे गालिब आ जाता है, गालिब का मगलूब, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, जीद वाला, या तो कोपिम, सबसे अच्छा कोपिम लिखो, कोपिम लिखना सबसे अच्छा बेस्ट है, नसीब का फ्राज, ताखीर का ताजील, ताजील, जाहिर का बातिन, कसरत का किल्लत, ठीक है ना, रोज का शब, बंजर का जरखेज, खैर का शर, अजाब का सवाब, देखो मैंने बहुत सा दिया है, और मे भी आ सकता, पूछ सकता है, लेकिन आप स्क्रीनशॉट ले लो, इसको देख लो ध्यान से, ओके। चलिए आगे देखें, अब वाहिद जमा बनाते हैं, है ना, आफाक की जमा आफाक, आफाक, असगर का असगर का असागिर, असगर का असागिर, असगर का, असगर का असागिर, शायद ऐसे ही होगा, अब का, अब का, अब, आपका अबवा, आपका अबवाब, अफजल का अफाजिल, अमीर का उम्रा, ठीक है ना, और आफत का आफात, असर का आसार, आखिर का अवाखिर, इब्न का इब्ना, गरीब का गुरबा, ठीक है, आपका अब का बाप का बाप होता है, अब का तुमने बाप का, अब का आबा, अब का आबा, पता नहीं ये मैं भूल रहा हूँ, ठीक है ना, देख लीजिएगा तो, आपका बाप का बाप होता है, अकबर का
अकबर का अकाबिर, अकबर अदब का आदाब, ठीक है ना, कदम का अकदाम, कौम का अकवाम, ठीक है ना, कलम का अकलाम, बदन का अबदान, ठीक है। चलिए कहीं पर मिस्टेक है तो कमेंट कर देना बाबू, हो सकता कि मेरे को लिखने में मिस्टेक। हबीब का अहबाब, तजवीज का तजावीज, जवाहर का जवाहिर, दवा का अध्ययन से दवा का अदविया, ठीक है, दुआ दवा था, हाल का अहवाल, मस्जिद का मसाजिद, ताज का तीजान, हिकमत का हुक्म होगा, जिद है ना, हद का हुदूद, दुआ का, देखो दुआ का अदिया, देखो ध्यान से बोलने में तो बोल देता लेकिन लिखने में खराब गलती हो जाता है, और आपको लिखना भी है, पाँच नंबर है, मैं बता दूँ पहले, वाहिद जमा जीदा, दस ठो बोलेगा पाँच ठो बनाना, पाँच नंबर में तो पाँच नंबर तो ऐसे मिलेगा, और ऑब्जेक्टिव में पूछता है, कबर का कबूर, मंदिर का मनादिर, ठीक है, रुबाई का रुबायात, सबक का असबाक, सैयद का सादाद, कलमा का कलमात, खास का खवास, सब का असबाब, रिकत का रिकात, दिन का अध्ययन, देखिए सब ध्यान से लिख लीजिए, इसके अलावा और बहुत सारे हैं, मैं तो यहाँ पे कुछ हिंट कर दे रहा हूँ, रूह, वाई जमा, रूह का अरवाह, जलजला का जलाजिल, जलाजिल, सिलसिला का सलासिल, जवाब का जवाबात, शक का शकूक, तरफ का अतराफ, रकम का रकूम, जमाना का अजमना, बहुत पूछा ये वाला सवाल का सवालात, शैतान का शयातीन, ठीक है ना, शयातीन, संदूक का असनाद, कन्फ्यूज हो रहा है इसमें, संदूक का सनादिक, देख लेना इसको, सदका का सदका, आगे देखें, जिद का एजदाद, तालिब का तलबा, आम का आवाम, गर्ज का अगराज, फौज का अफवाज, किस्सा का कसस, ताइफा का तवायफ, जुल्म का मुजालिम, गुब्बार का गुब्बारात, फर्द का अफराद, किस्म का अकसाम, लकब का अलकाब, लकब का अलकाब, ठीक है, 60 यहाँ पे हो गया। चलो और क्या है, मिल्लत का मिलल, काफिर का कुफार, मुकाम का मुकामात, मजलिस का मजालिस, ठीक है, और वाहिद जमा दिया हुआ है, देखिए ये तो बता दिया मैंने, उम्मत, आफत, आखिर, अकबर, दवा, तलिक, जानिब का जवानिब, ठीक है ना, लिख लेना, जानिब का जवानिब, नूर का अनवार, खतरा का खतरात, ठीक है ना, नूर का अनवार, भाई साहब 1 घंटा प्लस हो गया जी वीडियो का रिकॉर्डिंग का, चलो दर्जा का देखो, दर्जा का दर्जात,
हिकमत को हुक्म बता दे, बाप का अबवाब, बाप का अबवाब, तकदीर का तकादीर, खातून का खवातीन। आगे लिखते हैं, लिख लीजिए पूरा कॉपी में, नहीं जो जो याद है ठीक है, जो याद है उसको लिख लीजिए। खातून खवातीन, सवाब का सयाब, खजाना का खजाइन, जिक्र का अजकार, रसाला का रसायल, ठीक है, रसाला का रसायल। सैयद मैंने बताया, सादात, रौजा का रियाज, रौजा का रियाज, कौम का अकवाम, कौम का अकवाम, कलमा का कलमात, कलमा का कलमात, लकब का लकब, मरतबा का मरातिब, मरतबा का मरातिब। चलिए अब कुछ कुछ और ज़िद हो गया। अच्छा तो बताया था अमानत, खयानत, कुछ बाकी है क्या जी? कुछ कुछ बाकी, आप आबाद का वीरान बताया था, आबाद का वीरान, अमानत, खयानत, इंसानियत, हैवानियत, हकीकत, मिजाज, तौहीन, ताज़ीम, जवाल, उरूज, हबीब, हबीब है ना, हबीब का रकीब हो जाएगा, हबीब का रकीब, रकीब मतलब होता है दुश्मन, हबीब मतलब दोस्त। अब इब्तिदा, इब्तिदा, इंतहा, 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 बाक, आई बाक का होता है, पता नहीं बाक का होता है, पहली बार देख रहे हैं। हकीकी, मिजाजी, हराम, हलाल, ठीक है ना। जवाल, उरूज, जदीद, कदीम, अव्वल, आखिर, खार, खार का क्या होता है, खार का गुल, खार मतलब काटा, गुल मतलब फूल। आगे देखें, खादिम का मखदूम, खादिम का मखदूम, ये हो रहा का जिद बन रहा, बेहतर का अबतर है ना, जिस्मानी का रूहानी, रोज़ा का रोज़ का शब, बताया था ना, हुस्न का कबा, खुशी का गम, मौत का हयात, करीब बईद, रहमत जहमत, रहमत का जहमत, कबीर का सगीर, असगर का अकबर था ना, हसन का कभी कभी कभी, शरीफ का रजील, रजील, रे जे, शरीफ का रजील, रजील। चलिए, इज्जत का जिल्लत, इकरार का इनकार, रहम का जुल्म, जाहिर का बातिन, इकरार का इनकार। फिर जिन्स, अच्छा जिन्स बताना कौन, बारिश हो गई, क्या होगा, बारिश हो गई, हम देखो लिखते हैं शॉर्ट में लिखते हैं, मुजक्कर मोनस है ना, मुजक्कर मोनस, बारिश हो गई क्या है, मोनस है, मोनस है, अजाब हो, अजाब हो रहा है ना, ये क्या है, मुजक्कर, क्या है, मुजक्कर है, आवाज़ आ रही है ना, मोनस है, किताब फट गई है ना, क्या है, मोनस है, इज्जत बहुत बड़ी चीज़ है ना, मोनस है, नदी बड़ी है ना, क्या ये मोनस है, पुल गिर गया, ये क्या है, मुजक्कर है, चांद निकल गया, क्या है, मुजक्कर है, हवा चल रही है, क्या हो जाएगा, मोनस हो जाएगा, इलाज हो गया, क्या हो जाएगा, मुजक्कर, क्लियर है। चलिए आगे देखें, यहाँ पे और भी है, बर्फ, बर्फ पिघल गई, क्या हो जाएगा, मुअन्नस हो जाएगा, शराब मीठा, शराब जहरीला है, जहरीला, शराब, शराब शरबत मीठा, शराब जहरीली, शराब कड़वी, शराब बुरी चीज़ है, हाँ ये मुअन्नस होगा, हाँ दही खट्टा है, क्या हो जाएगा, ये मुजक्कर, पूछा बहुत बार, दवा, दवा पुरानी है, क्या हो जाएगा, मुअन्नस है, खबर अच्छी है, क्या हो जाएगा, मुअन्नस, हाथी बड़ा है, ओके मुजक्कर, शरबत मीठा है, क्या हो जाएगा, मुजक्कर, कुर्सी टूट गई, क्या हो जाएगा, मुअन्नस, कलम टूट गई, हिंदी में, उर्दू में कलम टूट गई, मुअन्नस, हिंदी में कलम टूट गया, इंसाफ हो गया, मुजक्कर, क्या हो जाएगा, वही ये जगह मुजक्कर, मोती चमक रहा, मुजक्कर, आदत लग गई, क्या हो जाएगा, ये मुअन्नस है। आ गया ये तस्वीर, तस्वीर पुरानी है, क्या हो जाएगा, ये मुअन्नस, दुआ मांगी जा रही है, नजम पढ़ी जा रही है, ये उसका तावीज़ है, ये क्या है, मुजक्कर, ये तावीज़ पुराना है। पानी, पानी मीठा है, क्या हो जाएगा, मुजक्कर, नाक लंबी है, हाँ ये हो जाएगा मुअन्नस, क्या हो जाएगा, आग लग गई, शमा बुझ गई, शमा बुझ गई, मुअन्नस, ठीक है, और हाजी ख़त्म करें। तो अब देखो लगभग मैंने एक घंटा प्लस वीडियो बन गया है, अभी टाइम हो रहा है 2:09 में, तो बस आप लोग वीडियो जितना अच्छे तरीके से देख लो, एक दो बार और देख लेना वीडियो को, ताकि रिवीजन हो जाए, सेव कर लेना वीडियो को, डाउनलोड कर लेना वीडियो को, नहीं होता तो ये तो वीडियो को सेव कर लो, डाउनलोड क्यों, MB ख़त्म करोगे तुम अपना, तुम्हारा मोबाइल का स्पेस खत्म होगा, तुम वीडियो को सेव कर लो,
और लाइक करते हो ना वीडियो को, तो लाइक वाला लिस्ट में आपको यहाँ पे मिल जाता है। तो अपने सभी दोस्तों को शेयर करना, व्हाट्सएप पे शेयर कर देना है ना, और पर्सनली भी शेयर कर देना, स्टेटस में लगा देना कि पूरा हिंदी उर्दू कवायद पढ़ लो। मैं पक्का गारंटी के साथ बोल रहा हूँ 30 से 40 नंबर इसमें से नहीं आना तो तुम मुझे बोलना, पूरा उर्दू कवायद इसी में से आएगा, एकदम 100% बता रहा हूँ। वाहिद जब मैं इतना बताऊँ इससे बहुत मैच करेगा। ओके दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, किसी और वीडियो मिलते हैं। ओके बाय, कमेंट कीजिएगा लास्ट में, ज़रूर कमेंट करना आपने कि कैसे लगी वीडियो क्लास पढ़ के। ओके बाय।